हाय हाय हाय। मैंने सोचा संडे है, थोड़ा सा बातचीत की जाए। उस दिन बहुत एक गलत चला गया था हमारा सेशन। क्या हाल है जी? आज थोड़ा अकेले में बात करते हैं। सबसे पहले जो केस हुआ है हमारा, आवाज आ रही है? पहली बात, आवाज आ रही है? हेलो पिटबुल पप्पी चाहिए, पिटबुल पप्पी चाहिए। भैया पप्पीज की इंक्वायरी मत कीजिए, हम आपस में बात करने आए हैं। पहली बात है, आवाज आ रही है किसी को? सर सौरभ डॉग कैनल वीडियो बना चुका है यार, बनाने दो। हमारा काम था एक बार उसको रोस्ट करना, अगर वो अच्छी तरह से लेगा तो ठीक है, नहीं तो भाड़ में जाए। डूडो मस्त है, डूडो मस्त है। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है। अच्छा बात यह है कि हिमाचल में जो केस हुआ है काओ, वो आज की डेट में ठीक है। आज उसने एक बछड़ा भी दिया है, वो आपको एक शाम की रिपोर्ट हमने दे दी है, और डरने की बात नहीं है। और यार ये सियासी रंगों में मत जाइए, यही वही मेनका गांधी है जिसने पहले बयान दे दिया, कभी राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया, कभी किसी पर इल्जाम लगाया। ये सरकारी बातों में ना जाइए, ना ये हिंदू मुस्लिम की बात है कोई भी। ये जो शरारती तत्व होते हैं, इनकी कोई जात नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। आपस में लड़ने से अच्छा है, मैं देख रहा हूं मेरे ही चैनल पर कई जगह बहुत गलत बातें चल रही हैं। आपस में लोग हिंदू मुसलमान सब कुछ कर रहे हैं, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत रहेगा। जिन्होंने गलत काम किया है उनको सजा मिलनी चाहिए, पहली बात तो ये है। हिमाचल में बीजेपी की खुद की गवर्नमेंट है, प्रशासन सारा बीजेपी का है, तब भी गलत काम हुआ ना, उसमें कोई वो नहीं है कि कांग्रेस ने किया या केरला में हुआ। ये बस इनके सियासी चोचले शुरू हो जाते हैं, ये अपनी जिम्मेदारियों से भगते हैं। एनिमल वेलफेयर का ये काम था, पहली बात ये है, एनिमल वेलफेयर ने अपने काम को अच्छी तरह से नहीं किया, तब वो केरला में हादसा हुआ। ये सीधी सी बात है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वो काम था, किसी का नहीं था। जिसने गलती की थी उसको करना चाहिए था। सुनने में तो यहाँ पर भी आया कि वहां पर आमतौर पर अनानास वगैरह लगा के रखते हैं लोग, ताकि उनकी फसलें ना खराब हो जाएं। और हिमाचल में तो बिल्कुल ही, आपने देख ही लिया कैसे उसने, वो तो भाग ही रहा था, वो तो रात को उसने जानबूझ के दिया था। ऐसा कुछ नहीं है, सियासी रंग ना दीजिए यार, ये सियासत ही हमें आपस में लड़ाती है। बड़े भाई लोग पागल हैं, ऐसे ही हरकतें कॉपी करते रहते हैं। हाँ यार सही बात है, ये गलत है, और गलत के खिलाफ हमें बोलना चाहिए, हमें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि हम गलत के खिलाफ बोले, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, जिसने ये काम किया उस आदमी को पर्टिकुलर सजा होनी चाहिए, हमारा यही मानना है। ये कांग्रेस बीजेपी, ये हमें समझ नहीं आता, सारे हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी में किसी ने गलत काम किया, चाहे कौ के साथ किया है, चाहे एलिफेंट के साथ किया है, चाहे वो डॉग के साथ किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। डूडो का प्राइस नहीं है यार, वो मेरा पर्सनल, मैंने परचेज किया है, उसमें किसी का प्राइस का कोई मतलब नहीं है, जो चीज एक पर्सनल परचेज की जाती। सॉरी 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 सॉरी, बीच में फोन आ गया था, एक्चुअली मैं वही फोन यूज कर रहा हूँ जिसमें लाइव स्ट्रीम चला रहा हूँ। नंबर मेरा भैया, आप मुझे मैसेज कर लीजिए, नंबर मिल जाएगा आपको, दो नंबर है, दोनों मिल जाएंगे आपको। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए, कोई जरूरी। पंजाब में पठानकोट से सर, कॉन्टेक्ट नंबर ही आ रहा है। किसी का कोई क्वेश्चन है कोई जरूरी, किसी को कोई ब्रीडर से दिक्कत हुई हो सर, एनिमल टॉर्चर के रिलेटेड कुछ न्यूज, स्ट्रिक्ट लॉस बनाने चाहिए भैया। AWBI ने लॉस तो बहुत बनाए हुए हैं, हमारे IPC की धारा भी बहुत है, लेकिन पालन नहीं करवाते लोग, लोग नहीं डरते। अब हर तरह का आदमी है यहाँ पर, जो एनिमल्स के साथ हमें हो रहा है वो हम गलत कर रहे हैं, इसलिए हमें बार बार नंबर, भैया मैं आप ले लेना, मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए या मेल कीजिए, नंबर मैं आपको दे दूंगा। देखिए जानवर को भी उतना ही हक है धरती पर जितना इंसान को है, इंसान कुछ स्पेशल नहीं लेकर आया हुआ। अगर हम उनको बेजुबान कहते हैं तो उनकी जुबान हमें समझ नहीं आ रही, सीधी सी बात है, उनमें भी जुबान है। सुल्तान के पप्पीज का क्या प्राइस है सर? डिलीवरी होगी भैया, पप्पीज ही नहीं है तो कहाँ से होंगे डिलीवरी, डिलीवरी कहाँ से होगी, पप्पीज नहीं है भैया उसके। रॉटवाइलर लूं या पिटबुल? रॉटवाइलर लो यार, पिटबुल तो थोड़ा हॉट ब्लड लाइन है, नहीं कंट्रोल होगा, बाद में ऐसे दिक्कत होगी। असम को प्यार, हैदराबाद को भी प्यार,
भैया कौन सा रिप्लाई नहीं कर रहा मैं आपको, मैं पोंटी सर मैं आपको रिप्लाई कहाँ नहीं कर रहा यार, आपको तो मैं हर मैसेज का मैं कोशिश करता हूँ, साहिल को बोला हुआ है कि हर मैसेज का जवाब दिया करो। अमेरिकन बुली पॉकेट और माइक्रो कैन बी कैप्ट इन अपार्टमेंट, भैया बिल्कुल रख सकते हो, माइक्रो को चूज कीजिए। मैंने आज भी एक वीडियो डाला था कि कैसे आपको चूज करना चाहिए, पहले अपने घर की जगह देखिए, अपार्टमेंट अगर छोटा है तो छोटी ब्रीड लीजिए, साइज में छोटी लीजिए, आपको भी आसानी होगी, डॉग को भी आसानी होगी। बुल्ली कुत्ते का मैं भैया एक ना सीरीज शुरू करूंगा, थोड़ा सा लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शन खत्म होने दीजिए, मैं कम से कम भी 15-20 ब्रीडर आपको शुरू करूंगा। वैसे एक सोनू लाटीवाल जी का चैनल है बुल्ली कुत्ता इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो आप पर जाके देखिए, बहुत अच्छा चैनल है यार। हाँ पोंटी चड्डा जी पहचान गया, चड्डा जी कह रहा हूँ आपको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये राजस्थान अजमेर में मनीष भाई के सौरभ डॉग कैनल को देखकर हंसी आती है यार, सभी को आती है, वो खुद भी बोल जाते हैं। डॉक्टर सरदाना जी जवाब नहीं देते हैं भैया, उनकी मशहूरी बहुत ज्यादा होगी, अब वो जवाब नहीं देते, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, शायद बिजी होंगे क्योंकि वो अकेले आदमी है, पूरा दिन तो या तो ऑपरेशन करते रहते हैं या कुछ करते रहते हैं, अब लाइट ठीक है ना। महाराष्ट्र से हमें भी प्यार, महाराष्ट्र में क्या हाल है हमें बताइए, इंडिया में सबसे अगर गलत जगह लग रही है कोविड के बारे में तो महाराष्ट्र लग रही है। लुधियाना डॉग शो पर जरूर विजिट करना सर, इस साल डॉग शो नहीं होंगे, ये आप केसीआई ने भी एक दे दी हुई है, अभी तक कोई भी डॉग शो की कोई प्लानिंग नहीं है 2020-21 में, अब नेक्स्ट ईयर देखेंगे डॉग शो। राहुल मौर्या जी कौन सा रिप्लाई नहीं कर रहा मैं आपका, सारे तो रिप्लाई करता हूँ यार, मैं तो कोशिश करता हूँ। एक्चुअली क्या है 200-250 वीडियो है यार, 250 वीडियो में सभी में कमेंट आते हैं, ये नहीं है कि हमारा पुराना वीडियो नहीं चल रहा, अच्छी तरह से चल रहा है, आप बहुत सपोर्ट करते हो, बहुत ज्यादा शेयर करते हो, और अच्छा अच्छी अच्छी वीडियो, काफी 15-20 वीडियो मेरी, मैंने मेरी सोच के बाहर से ऊपर, इतना लोगों ने पसंद किया उसको, नई वीडियो नहीं चल रही, वो पता नहीं क्या है, कोविड जब से लगा हुआ है हमारे चैनल को भी कोविड लग चुका है, पता नहीं आप शेयर नहीं करते यार। जयपुर में कब आ रहे हो, जिम करेंगे साथ में, नहीं भैया जिम नहीं कर सकता मैं बड़ा सुस्त आदमी हूँ। नंबर यार ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर थोड़ा नंबर दे दूंगा, पर्सनल बोलिए मैं आपको दे दूंगा। कब्बू प्रसाद जी बार बार ना कीजिए मैसेज, आपको नंबर मिल जाएगा, आप मेल कीजिए, नंबर दे दूंगा, अब आप मेरे से बात कर लेना। हस्की मैंने अपना क्यों नहीं दिखाया, वो रामपुर शिमला में है, मेरे चाचा जी का फ्रेंड है जिन्होंने हस्की वो लिया था लास्ट ईयर, वो वहां पर है। आज उत्तराखंड में देहरादून में एक डॉग को हथियार से काट डाला, एक लड़की ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है यार, ये केस ना पता नहीं कहाँ से बढ़ रहे हैं, लोग ना कोविड में लगता पागल हो चुके हैं बहनचोद, उनको समझ नहीं लग रहा कि साले दिमाग में क्या करना है, पता नहीं ये जब से कोविड आया ना सोशल मीडिया पर यही केस दिख रहे हैं, कभी किसी ने डॉग को काट डाला, कभी किसी ने, कल एक वकील ने किया मेरे ख्याल से कांड, उसको भी देखा, साले को मार मार के ना जूते उधर ही मार देना चाहिए सड़क पर, मैं कहता हूँ ऐसे पड़ोसी 10-20 होने चाहिए, जो ऐसा कांड करता है वहीं पर ही मार दो सालों को, फिर देखते रहते केस क्या होता है। इंडियन स्पिट कैसी ब्रीड है, मस्त ब्रीड है, छोटी छोटी बहुत बढ़िया। हाँ एक रिलैक्स जी को पप्पी 45 डेज का बायर चला जाएगा, पूरा अरेंजमेंट हो चुका है, आप बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हो, उनका वीडियो भी हमारे पास आ चुका है, उनका घर भी हमने वीडियो में देख लिया है, अच्छे पर्सन है, काफी अच्छी जॉब करते हैं, हैदराबाद में है शायद वो, न्यू पप्पीज ओनर यार कोई नहीं होता, थोड़ा सा ध्यान से वीडियो देखिए, एक एक बात सुनिए, उसमें मैंने जीवन की एक सच्चाई बताई है, जो मैंने अपने आप को कमी रखी थी वो आपको बताया कि आप वो कमी ना रखें। हमें मृत्यु कुरुता अधिनियम से ज्यादा जागरूकता की जरूरत है, बिल्कुल सर हमें बिल्कुल, एक धरती पर जिस जीव ने पैदा हुआ है उसको हमें अब बचाना चाहिए, उसको भी अपना पार्टनर समझना चाहिए। सर ऐसा ही है स्कूबी डू जी, एक तो नाम भी आपने मेरे ख्याल से पिछला रखा हुआ है, पर ये मोनेटाइज नहीं होगा, इसको चैनल मत बनाना, मैंने भी स्कूबी डू को किया था।
जीएसडी पप्पी जब होंगे हम गिव अवे निकालेंगे, अभी फीमेल ने शो नहीं किया, अराउंड 20 डेज हुए हैं अभी। उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा फीमेल का, जल्दी आपको दिखा दूंगा। जैसे वो शो करेगी आपको खुशखबरी भी बता दूंगा, और पूरा वैसे ही गिव अवे करेंगे। डॉगीज वर्ल्ड ने भी गिव अवे किया है अभी यार लेटेस्ट, वो बड़ी अच्छी बात है। अगर टारगेट किट बिना उसने गिव अवे दिया है, बड़ा अच्छा है लगता है ऐसा। ड्रीम पास कैनल, ग्रेट ग्रेट कुछ नहीं है भैया, जो सच्चाई है वो बताते हैं। जर्मन शेफर्ड अपार्टमेंट में रखना थोड़ा सा मुश्किल है ब्रदर, आपको सुबह शाम सैर करवानी पड़ेगी। अगर आपके स्लिपली फ्लोर है तो वहां पर एचडीडी की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। आप मेरे हिसाब से अगर रखना भी है तो स्ट्रेट बैक रखिए, शो क्वालिटी वाला जो एंगुलेशन वाला आता है उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए अपार्टमेंट में रखने के लिए। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि हम किसी को ज्यादा वो भी नहीं कर सकते। हाँ, पाक बुली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सोनी लाठीवाल जी है उनका मैं इंटरव्यू पक्का लूंगा, उनसे मैंने कांटेक्ट भी किया था लेकिन उसके बाद लॉकडाउन से हो गया। साइबेरियन हस्की के ब्रीडर बताइए, मान सर या भट्टी सर या फई कयोर। ये देखिए, ये दोनों तो है ही हैं, अच्छे ब्रीडर हैं, रिप्यूटेड ब्रीडर हैं। एक हमने डाला मक्कड़ कैनल, आप उनसे भी ट्राई कर सकते हो हस्की के बारे में, अभी लेटेस्ट ही वीडियो डाला है। बीगल का प्राइस कहाँ से होता है? अराउंड यार 12-15 हज़ार से स्टार्टिंग हो जाता है, एग्जैक्ट नहीं मुझे पता। मैक डॉग्स कैनल नेम कैसा रहेगा? हाँ ये ठीक रहेगा, ये रखिए। स्कूबी डू हटा दीजिए, ये इसका कोई फायदा नहीं है। आप रोस्ट करो, हम कमेंट संभाल लेंगे। रविंदर शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे पता है कि जो स्कूबर्स फैमिली है वो सच्चाई के साथ चल रही है आज की डेट में, और हमें ऐसे फ्रॉडस्टर लोगों से बचना होगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है जिसमें इनकी दुकानदारी वैसे भी बंद हो रही है, वो कानून एक बन गया है उसके कारण इनको काफी तकलीफ होगी। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, आज लाइव में AWBI का कानून जो है, सबसे ज्यादा नुकसान उसमें पेट लवर्स को हुआ है, आप जैसे मेरे जैसे लोगों को हुआ है, ये आप ध्यान में रखिए। ऐसा ना सोचिए कि ब्रीडर ही खत्म होगा, ब्रीड ही खत्म हो जाएंगी। मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपको जल्दी देने वाला हूं जिसमें AWBI ने बहुत गलत काम किया है। एक पहली बात है, ये फॉरेन ब्रीड नहीं है, मैं अक्सर आपको कहता हूं, बल्ब से लेकर जीन तक, जीन से लेकर जहाज तक, सब कुछ फॉरेन से ही आया है, ऐसा नहीं है। आज की डेट में जीन भी हिंदुस्तान में बन रही है, वैसे ही फॉरेन ब्रीड हिंदुस्तान में बन रही है, ये गलत है। AWBI ने जो रूल निकाला है उसमें हम गलत उसको कहते हैं, उसके वीडियो एक जल्दी आएगा। भगीरथ परमार जी मेरे कमेंट का रिप्लाई कीजिए, आप मुझे फ्री में डॉग दे सकते हैं। भगीरथ जी जब निकलेगा, आपका नाम निकलेगा तो हम आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। प्योर जीएसटी बैक कहाँ से मिलेगा? पप्पी चाहिए, करेंगे यार पता, अभी थोड़ा सा नहीं किया। वरुण आनंद जी है उनसे पूछिए, मैंने उनका वीडियो डाला है। फॉरेक्स कैनल या वंडर शेफ कैनल को भी पूछ सकते हो आप, इनके पास होते हैं यार स्ट्रेट बैक, आप इनसे ट्राई कीजिए, इनको बोलिए कि हमें स्ट्रेट बैक दीजिए, ये अरेंज करा देंगे आपको। ब्राजील मैस्टिफ का कवर करो, भैया मैंने तो नाम ही नहीं सुना, कुछ चीजें हैं जो मैंने नाम नहीं सुना हुआ, मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। पहले गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ, एसी लगा लेता हूँ, आवाज आ रही है ना क्लियर, कोई चक्कर तो नहीं है। डूडो का न्यू चैनल पर वीडियो क्यों नहीं आ रहा? भैया वहां पर रिस्पॉन्स अभी नहीं मिल रहा, मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में, या वहां पर जाइए थोड़ा सा रिस्पॉन्स कीजिए, वहां चैनल को शेयर कीजिए, तभी मजा आएगा ना उधर वीडियो डालने का। पर्शियन कैट का भी वीडियो जल्दी डालेंगे, कोई अच्छा सा ब्रीडर दिल्ली में मिलने दीजिए, एक ब्रीडर से बात भी हुई थी लेकिन जब हम जाएंगे तब हम उनको कवर करेंगे, जरूर कवर करेंगे। आपके पास कोई ब्रीड्स के पप है? भैया नहीं है, कोई पप नहीं है मेरे पास, मेरे पास डूडो ही है अभी पप्पी, और कोई भी नहीं है। आवाज मस्त आ रही है भाई जी। जर्मन शेफर्ड फीमेल प्योर पप्पी का प्राइस कितना होगा? भैया देखिए, पहली बात है पंजाब में 1,000-1,500 से, आप मानोगे नहीं, फीमेल का प्राइस 1,000-1,500 से स्टार्ट होता है पंजाब में, लेकिन वो फीमेल लेने का कोई फायदा नहीं है। आप एक अच्छे ब्रीडर से जाइए, 1,500 की जगह 15,000 की खर्चिए, क्योंकि फीमेल का बहुत बड़ा रोल होता है ब्रीडिंग में।
मैं ऐसा नहीं कहता कि ब्रीडिंग के लिए, लेकिन उसके टेम्परामेंट उनका बहुत कुछ होता है। पुणे के ट्रस्टर ब्रीडर हम जल्दी वीडियो बनाएंगे, थोड़ा सा होने दीजिए। AVI AWBI के न्यू रूल क्या है इसका मैं पूरा डिटेल वीडियो आपको दूंगा। 3 दिन से हमारा स्क्रिप्ट भी तैयार हो रहा है, हमने पूरा एक एक रूल को चेक किया है कि क्या है। लेकिन ये रूल्स जितने भी AWBI के निकाल रही है ये पेट लवर्स के लिए खिलाफ है, पहली बात ये सुन लीजिए। ये इनकी एक साजिश है कि फॉरेन ब्रीड के नाम पर डॉग रखने ही नहीं देना। रिलैक्स जी आ चुके हैं, रिलैक्स जी को भी गुड इवनिंग। कार से लाइव, हाँ यार यहाँ पर ठीक है, AC लगाओ, मस्त लाइव हो जाओ, अकेले बैठो साथ में, किसी की वो नहीं है। पीछे हंसी की आवाज, पिछली बार तो अगम जी ने बड़ा हंसी की आवाजें की थी। 6 मंथ GSD की हाइट एंड वेट 6 से 18, 18-20 किलो होना चाहिए। 3 किलो आप एवरेज लगा सकते हो, जो मीडियम लार्ज ब्रीड है उसका 3 किलो का एवरेज लगा सकते हो। 6 महीने में 20 किलो हो जाए तो फिट है। कैन KCI पेपर बी फेक, हाउ टू आइडेंटिफाई इफ दे आर फेक। देखिए पप्पी आपके पास 1 महीने का KCI पेपर के डेट अगर 2 महीने की है तो वो फेक है। अगर आप डायरेक्ट ब्रीडर से ले रहे हो तो उसको अप्लाई फॉर्म उसका देखिए, उसका ओनर नाम देखिए, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि पप्पी KCI पेपर फेक है या क्या है। ये देखने का यही तरीका है, आप एक ब्रीडर से लीजिए। आजकल क्या हो रहा है कि जैसे मैं पूरा बता देता हूँ, बोला शोला ने काफ़ी पेपर्स देखने थे, आज की डेट में मुझे पता लगा है कि वो बाजार से पप्पीज खरीद के, पेपर्स खरीद के 2-2, 3-3 सौ उनको प्रॉपर पप्पीज दे रहा है, लेकिन वो सारे फेक है। पेपर फेक नहीं होते, ऐसा नहीं है कि पेपर फेक है या KCI का कोई कसूर है, लेकिन वो उस पप्पी के पेपर्स नहीं होंगे, वो किसी और पेडिग्री के पप्पीज पेपर्स दे रहा है। और ये सच्चाई है यार, इसमें कोई वो नहीं है गलत। 2-3 महीने लगते हैं पेपर्स आने में। लॉन्ग कोट को 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर में रख सकते हैं क्या? मुश्किल हो जाएगा भैया, 25 डिग्री तक टेम्परेचर चाहिए। अगर 35 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर जाता भी है तो आपको AC प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा। AC नहीं प्रोवाइड करा सकते तो कूलर में पानी डाल के उसको दोपहर के टाइम पर जरूर बैठाइए, क्योंकि जहां पर समर में 25 से नीचे टेम्परेचर चला जाता है। सिंगल कोट डार्क टेन GST ब्रीडर कॉन्टेक्ट पक्का यार, ये तो हमने बनाए हुए हैं शॉर्ट कोट के, बड़े बड़े ब्रीडर बनाए हुए हैं, पहले 4-5 ब्रीडर तो हमने शॉर्ट कोट के बनाए हुए हैं। 6 मंथ फ्रेंच मैस्टिफ वेट, यही 20-22 किलो, सीधे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें कोई नहीं है। 3 किलो बहुत होता है एक डॉग का वेट बढ़ना 1 महीने में। पप्पी का स्टार्टिंग प्राइस क्या होता है यूरोपियन डॉबरमैन? ये थोड़ा सा ना सवाल, किसी के पास 20,000 का भी है, किसी के पास 1,00,000 का भी है। ये पेडिग्री पर डिपेंड करता है कि उसके मदर फादर की पेडिग्री क्या है। सबसे बड़ी बात है उसके ब्रीडर पर डिपेंड करता है। कई ब्रीडर 2,00,000 का भी बेचेंगे क्योंकि उनके पास इंपोर्ट ब्लड लाइन होती है, सारा कुछ होता है। बादल बटारी सर की कैनल के ऊपर, यार उनके कैनल उन्होंने बताया भी है, उनके 5 डॉग कहीं है, 4 डॉग कहीं है, वो एक कैनल एक नया सेटअप बना रहे हैं, फिर हम बनाएंगे। स्टार्टर फूड डाइजेस्ट नहीं कर रहा तो पप्पी फूड दूं एज 2 मंथ? हाँ दो यार, दोनों में क्या रखा है, हमने कौन सा देखा है कि वो फीड में क्या मिला रहे हैं, लिखा ही हुआ है ना स्टार्टर फूड। मेरे ख्याल से तो मुझे कई दुकानदारों ने बोला, मेरे कई सज्जन हैं जिन्होंने बोला किब्बल साइज का डिफरेंस होता है सिर्फ स्टार्टर और पप्पी में, और कुछ नहीं होता, पता नहीं बाकी आप देख लीजिए, मैं इतना विश्वास ही नहीं करता। 4 बॉयल एग टू 6 मंथ GSD इन समर, नहीं यार 4 ज्यादा हो जाएंगे, आप एक सुबह एक शाम को दीजिए। एक ना मैंने डाइट प्लानर का आपको दिया था, कोड़ा डाइट प्लानर, कोड़ा साहब है जो हैंडीकैप थे, मैंने उनका वीडियो भी बनाया था, बड़े अच्छे डाइट प्लानर है। डूडो का भी डाइट प्लान उन्होंने ही किया हुआ है, आप उनसे कीजिए। इस गुड सेवक कैनल जेन्युइन, हाँ जेन्युइन है यार, उसमें क्या गलत क्या उनके पास। देखिए पहली बात है, मैंने जितने ब्रीडर की इंटरव्यू की है मुझे आई है 1-2 कंप्लेंट आई है, जो भी कंप्लेंट आई है हम उसको सख्ती से उनको बताते हैं, वो करते भी है हल उनका। ऑनलाइन डॉग शो कैसे होता? मेरे पास 65 एंट्री 70 एंट्री आ चुकी हैं, लेकिन मैं उनको वापस करने लगा हूं क्योंकि मैंने सोचा था 400 से 500 एंट्री आएगी, 65 से 70 एंट्री आई, जिसमें ये डॉग शो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मुझे भी 5-6 जजेस को रिक्वेस्ट करनी पड़नी थी कि वो जजमेंट लेते,
लेकिन मेरे पास इतनी एंट्री नहीं आई तो मैं कैसे करवा सकता हूँ, इसलिए मैं उनको रिफंड कर रहा हूँ एंट्री। 1-2 दिन में उनको सभी को रिफंड हो जाएगी, कुछ एंट्री वापिस चली भी गई हैं, बाकियों को भी हो जाएगी। अगर आप फीमेल की डिलीवरी के बाद ऑपरेशन हो गया तो क्या करना चाहिए, प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए। ऑपरेशन के बाद 10 दिन केयर होती है, वो भी एक वीडियो बनवा देंगे, डॉक्टर सरदाना से बनवा देंगे। डूडो की नेक्स्ट वीडियो कब आएगी? जल्दी आएगी, अभी ये आज ही तो एक वीडियो हमने लास्ट जो है डूडो की है वो। बुली कुत्ता के इंटरव्यू जल्दी आ जाएगी। संचित को क्या है, संचित को तोड़ नहीं रहे क्या यार? क्या तोड़ना है मुझे एक बार बताओ। हमने उनके पॉइंट रख दिए कि वो पप्पी मिलर्स के बच्चे सेल करते हैं, सीधी सी बात है, और छत पर वो 15-15 डॉग रखे हुए हैं हमारे, वो 2 पॉइंट है, वो सभी सारी दुनिया के साथ है, जबकि AWBI का जो नया रूल है उसमें आप नहीं रख सकते, आपको प्रॉपर एक जगह देनी पड़ेगी, उसमें ये ब्रीडरों को नुकसान है। मैं तब भी इनकी साइड लेकर वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि छोटे ब्रीडर का भी रोल होता है इकोनॉमी में। मैं ये नहीं कहता कि बड़े ब्रीडर ही होने चाहिए, छोटे ब्रीडर भी होने चाहिए, लेकिन जो पप्पी मिलर्स हैं वो खत्म होने चाहिए, जो साल में 3 बार बच्चे ले रहे हैं, 2 बार बच्चे ले रहे हैं, वो खत्म होने चाहिए। क्रॉपिंग इलीगल है भैया, क्रॉपिंग इलीगल ही है, डॉकिंग भी इलीगल है, लेकिन अगर आपने करवानी है तो किसी अच्छे से वेट के पास करवाइए। अमेरिकन बुली स्टैंडर्ड प्राइस, भैया 8-10 वीडियो हैं हमारे, आप उनको ट्राई कर सकते हो। हमारे घर के पीछे एक पेट शॉप है, उसके पास सारे डिफरेंट ब्रीड के डॉग्स हैं, जगह भी बहुत कम है, उनसे डॉग लेना चाहिए क्या? क्योंकि वो एक पेट शॉप, भैया नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको कोई पेट शॉप पर ज़्यादा डॉग मिलते हैं, आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डॉग्स में बीमारी ट्रांसफ़र होती है। अगर वो कोई भी पार्वो वाला एक भी बच्चा उनके पास हुआ या जिसमें थोड़ा सा भी सिम्टम हुआ तो बाकियों में आ जाएगा, इसलिए वहाँ से नहीं लेना चाहिए। जिस पेट शॉप के पास आपको 20 डॉग मिलेंगे, 25 डॉग मिलेंगे, वो स्टॉक नहीं है। पहली बात, ये लाइव स्टॉक नहीं है कि आप इसको प्रोडक्ट की तरह अपने शोरूम में रखिए, ये आपको नहीं करना चाहिए। अच्छे से ब्रीडर को चूज कीजिए, वहां से लीजिए। 500-1000 महंगा भी मिल सकता है, सस्ता भी मिल सकता है, आपकी च्वाइस है, कैसे आप हिसाब का ब्रीडर चुनते हो। अक्षत पुरी जी ने यार सुपर चैट भेज दिया इन्होंने, लव योर वर्क, हैव शेयर्ड यू ए लॉट, प्लीज विजिट देहरादून इंटरव्यू। भैया मैं जल्दी, लॉकडाउन जैसे खत्म होगा मैं सबसे पहले देहरादून ही आना पसंद करूंगा। एक तो हम, आप सही में बताऊं, मैं पूरा घूमने वाला बंदा हूं, पूरा ट्रैवलिंग करने वाला बंदा हूं, फूडी हूं एकदम, मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन मैं घूमने जरूर आऊंगा देहरादून लॉकडाउन के बाद। और थैंक यू फॉर सुपर चैट, ये हम किसी अच्छे काम पर लगाएंगे, सुपर चैट मुझे पता है आ रहा है, जो हम किसी अच्छे को। कौ को क्या हो गया भैया? किसी ने आटे के गोले में बम डाल के उसको खिला दिया था, उसका पूरा मुंह खत्म हो चुका था, उसके पेट में बच्चा था, जो आज डिलीवर हो चुका है, अब ठीक है कौ, और चारा भी जल्दी जल्दी वो खाने लगेगी, अब ये मामला सेटलमेंट है। ये मैं वही तो कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम इसमें नहीं जाना चाहिए। कोच एसेथिट्स टॉय पोमेरियन प्राइज इन इंडिया, देखिए भैया सीधी सी बात है, मैंने एक वीडियो डाली थी अलोक नंदा जी के पोमेरियन की, टॉय पोमेरियन टॉय पॉम 50,000 से प्लस एक अच्छा ब्रीडर आपको देगा। एक है फरी पॉम वाले, आप, मैं उनका नंबर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए या मुझे मेल कीजिए, मैं आपको नंबर प्रोवाइड करवा देता हूँ। आप लोकनंदा जी को भी ट्राई कीजिए, टॉय पोमेरियन में बहुत ज़्यादा वैरायटी आती है, आप एक अच्छे ब्रीडर से ही लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा धोखा इन छोटी ब्रीड में है। कल को वो थोड़ा सा लंबा निकल आया तब अच्छा नहीं होगा, पैसा खर्चना है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको 2-3 नंबर दे देता हूँ। हिमालयन हस्की को, भैया हिमालयन हस्की पहली बात है मेरे दिल के पास है वो बंदा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने कैसे चूज करना है, कैसे उसने अपने हस्की को किस मुकाम पर लेकर गया है, मुझे पता है। वो बंदा एक नंबर का हीरा है, उसके खिलाफ मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। हाँ मेरे खिलाफ, उसके खिलाफ एक मैंने जो बोला था कि, मैंने वीडियो में साफ बोला था कि भैया उसने जो गलत मीटिंग करवाई है वो गलत है, अगर आगे से वो नहीं करवाएगा, मेरा फ्रेंड है वो, मैं ऐसा नहीं है। जहां पर मैं ठीक हूँ
मैं उसको बोलूंगा, जहां पर वो ठीक है वहां पर उसकी प्रशंसा करूंगा। रिलैक्स जी ने 500 डाल दिए, ये लगता है पप्पी के प्राइस आ रहे हैं धीरे धीरे ये पप्पी का ओवर कम आ रहा है वापिस यार यार सुपर चैट के लिए नहीं है, मैं संडे को आया करूंगा लाइव, एक्चुअली इतना काम भी नहीं है यार, आपको भी पता है। बाकी रिलैक्स जी थैंक यू, ये हम सुपर चैट जितना भी होगा, अगर 10,000 15,000 भी हो जाता है, हम इकट्ठा करेंगे, एक गिव अवे और अनाउंस कर देंगे अपनी तरफ से, ये आपका बहुत काम आएगा। फिर से 40 रुपीज, डिफरेंस बिटवीन टॉय पोमेरियन एंड कल्चर पॉम, बहुत ज्यादा डिफरेंस है भैया, टॉय पोमेरियन साइज छोटा है और कल्चर पॉम का कलर भी डिफरेंट है, बाकी उसका माउथ का भी साइज डिफरेंट है। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर, किसी ब्रीडर से बनवाऊंगा, तब आपको भी ज्यादा यकीन होगा मेरे कहने से। मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह लर्निंग स्टेज में हूँ, 3 साल में कुछ भी इस इंडस्ट्री से नहीं सीखा जाता, जो 30 30 साल 25 25 साल से काम कर रहे हैं उनसे एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। और थैंक यू आपके 40 रुपीज के लिए। डॉग नेम रिटन ऑन द केसीआई पेपर, हाँ भैया लिखा जाता है, डॉग नेम लिखा होता है जब वो लीटर अप्लाई करते हैं, तो अगर 6 बच्चे हैं तो 6 का नाम वहां पर उन्होंने शो किया होता है, जो केसीआई वहां पर प्रिंट आउट करके वापिस भेजती है उनके पास, आपके पेपर पर आपके पप्पी का नाम होगा, ऐसा नहीं है। टोकन फॉर अप्रिसिएशन ऑफ योर वर्क एंड क्रिएटेड ए ट्रस्ट, नहीं सर ट्रस्ट ऐसा नहीं है कि चलो आप मानते हो तो ठीक है, हम मान लेते हैं, बाकी आप जैसे इतने भाई मुझे मैसेज करते हैं, यही प्यार है जो वीडियो देखते हैं, एक बोरिंग आदमी की जिंदगी में आपने एक बहुत अच्छी लाइफ ला दी। नहीं तो मैं टूट चुका था जब मैंने धोखा खाया था, मैं टूट चुका था, मैं ये डॉग अपने इधर उधर मतलब अपने फ्रेंड को दे रहा था, पर ठीक है यार अब मुझे मजा आता है लाइफ का। जब से ये यूट्यूब मुझे मिला है, मुझे लगा कि मेरी एक फैमिली बन चुकी है और आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बाई पीपल से एंड मैनी यूट्यूबर्स एंड द कीपिंग लॉन्ग हेयर ब्रीड इंक्लूडिंग लॉन्ग कोट हस्की इन नॉर्दर्न इंडिया स्टेट लाइक यूपी दिल्ली टॉर्चर फॉर देम, भैया ये बिल्कुल टॉर्चर है, मैं ऐसा नहीं कहता कि ये टॉर्चर नहीं है, पहली बात सुन लीजिए। लॉन्ग GSD की मैंने 2 वीडियो डाली हैं और दोनों ब्रीडरों की आप बात सुन लीजिए, उन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर आपकी औकात है, औकात इन द सेंस कि आप उनको AC दे सकते हो, प्रॉपर कूलर दे सकते हो, तब उसको गर्मी में रखिए। अगर आपने कोई AC नहीं, मैंने एक चैनल देखा है रिव्यू रीलोडेड, देखा ना हमने, उसके पास भी हस्की है, ठीक है, वो दिल्ली जैसे शहर में रह रहा है, मैंने उसका ये नहीं देखा कि उसने वहां पर क्या उसको क्लाइमेट दिया हुआ है, ये गलत है। मैंने हस्की की वीडियो मैंने भी डाली है, आप उसका कोट कंडीशन देख सकते हो, मक्कड़ साहब ने 24 घंटे AC लगाया होता है कई बार, समझ गए मेरी बात, हस्की हो लॉन्ग कोट हो सेंट बर्नार्ड हो। और सबसे बड़ी बात, एक चैनल है वाइडली इंडियन, मैं उसकी भी बात करना चाहता हूँ, उन्होंने क्या किया, अपने डॉग को बिल्कुल ही शेडिंग करवा दिया, वो भी गलत है। डॉग के अगर हेयर होंगे तो उसको डायरेक्ट सनलाइट से उसको एलर्जी नहीं होगी, ये एलर्जी का बहाना छोड़ दीजिए कि डॉग को एलर्जी होगी, हस्की को वो कर दो, यार क्या बकरे बना दिया हुआ है, शीप बना दिया हुआ, पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, रुई कहीं बेचनी है उनकी जो निकाल रहे हो, वो उनको डायरेक्ट सनलाइट से प्रोटेक्शन देगी यार। अगर आप उनके ऊपर टॉर्चर, तो एक तो गर्मी में रख के टॉर्चर कर रहे हो, ठीक है, आप उसको AC नहीं प्रोवाइड करवा रहे, या आप उसको गर्मी में रख रहे हो, फिर उसके बाद उनकी कटिंग करवा रहे हो कि डायरेक्ट सनलाइट से उनको एलर्जी होगी, उसको ना करवाइए ऐसा काम, उसको प्रॉपर एक टेम्परेचर अगर आपने रखा है तो उनको प्रॉपर टेम्परेचर दीजिए, आप AC में रखिए, अपने बेडरूम में सुलाइए उसको, उसको प्रॉपर AC में रखिए। विशाल डीवर वाला मैसेज रिट्रैक्टेड, 40 रुपीज दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, क्वेश्चन इन्होंने कोई पूछा नहीं। पटियाला से पटियाला वालों को सलाम, मिलेंगे जल्दी पटियाला में। स्मार्ट फीड रिव्यू, मैं समझ गया स्मार्ट हार्ट फीड का एक ही रिव्यू देना चाहता हूं, अगर आप डॉग को एक्सरसाइज करवाते हो, रनिंग करवाते हो सुबह शाम, फिर फीड देना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, फीड बहुत अच्छी है लेकिन उसका असर तब होगा जब अगर आप उसको एक्सरसाइज करवा रहे हो। वैसे तो कोई भी फीड आप दो, आप सुबह शाम उसको सैर करवाइए, डॉग की हेल्थ अच्छी रहेगी, पर स्मार्ट हार्ट फूड तभी देना जब आप उसको रनिंग वगैरह करा रहे हो। विकास पेट शॉप को एक्सपोज कीजिए, जब हम झोला शॉप कहते हैं तो सभी यही होते हैं यार, प्रॉपर डॉक्टर है या ओनली पेट शॉप, नॉलेज हो गई है भैया, वो डॉक्टर है लेकिन उनको नॉलेज 23 साल का एक्सपीरियंस है इसलिए कर रहे हैं। देशवाल कैनल साइबेरियन हस्की,
ठीक है सर, मैं नोट कर लूंगा, इस देशवाल कैनल को हम जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। अरुण राय जी चुप, लो जी चुप हो गए। ठीक है जी, अरुण राय जी खुश हो गए आप, चैनल मेरा, पब्लिक मेरी, आप बीच में चुप कहने के लिए लाइव आया हूँ तो यार कुछ बोलूंगा ना यार, ऐसे थोड़ा करूंगा, आपके कहने से थोड़ा चुप हो जाऊंगा मैं। मेक वीडियो साइबर इन देशवाल कैनल, पक्का पक्का पक्का। अरुण राय जी यहाँ से गालियां जब पड़ी ना, आपने भाग जाना और घर में भी नहीं रहना, फिर आपको रात का खाना भी खाना मुश्किल हो जाएगा। आपने मेरी गालियां सुननी होगी, मैंने 2-3 वीडियो बनाई हुई है। निक बी 40 रुपीज, थैंक यू। पहले तो स्टेट बैग, मुझे लगता है गिव अवे जल्दी करना पड़ेगा हमें, ये इकट्ठे हो जाएंगे पैसे, गिव अवे जल्दी आएगा। स्टेट बैग जीएसडी के ऊपर वीडियो लाओ। देखिए निक बी जी, मैं ऐसे ब्रीडर लाऊंगा इंडिया के जो परफेक्ट होंगे अपनी मास्टर, वो आपको ब्रीडिंग का स्टैंडर्ड बता देंगे और इसके ऊपर जल्दी ही वीडियो लाऊंगा मैं। तोसा इनू पर वीडियो बनाए, ये यार सारी ब्रीड ना जो तोसा इनू, ये मुझे तो दिखी नहीं है किसी कैनल में। अगर इनके प्रॉपर कैनल होंगे हम कवर करने की कोशिश करेंगे, इंडिया में बिल्कुल कैनल नहीं है इनके जहां तक हमने सर्च किया है। अगर किसी के पास होगा गोरिल्ला मैक्स सप्लीमेंट रिव्यू, भैया ये मुझे भी किसी ने बोला है। अरुण राय जी मैं आपको फिर से वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आपका अभी मैसेज आया तो ये हिंदुस्तान बहू भी बन जाएगा, ये बात सुन लो। बार बार ना गाली निकालने की जरूरत नहीं है कमेंट में, ठीक है, औकात में रह, पहली बात तो ये है। आराम से अगर हंसी से बात कर रहा हूँ ना तो हंसी से कमेंट लिख, सीधी सी बात है, मैं कोई डॉग सेलर नहीं हूँ जो तुझे जी कर लूंगा या सर बोलूंगा। औकात भी आ गया ना बहन, जो यहाँ पर ही बैंड बजा के जाऊंगा तेरी। गोरिल्ला मैक्स मुझे दिया था सुजेशन मेरे डूडो के लिए, शायद ये 3-4 महीने के बाद यूज़ करना चाहिए, इसका मैंने रिव्यू पढ़ा है, अच्छा रिव्यू है इंडिया में और यही प्रोडक्ट है जो इम्पोर्ट होके अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है। हाँ टाइम मिलेगा तो पक्का देखूंगा सर, लखनऊ के ब्रीडर की वीडियो बनाइए। देखिए लखनऊ इंडिया में ऐसी सिटी है जहाँ पर एक डॉग शो होता है, वहाँ के मैंने सुना है कि एक एमपी साहब हैं वो डॉग शो करवाते हैं, बाकी यूपी में कहीं भी नहीं होते, लेकिन लखनऊ में बड़े अच्छे अच्छे टॉप क्लास ब्रीडर भी हैं, हम उनको कवर करने की जल्दी कोशिश करेंगे। शिरजू का प्राइस कितना होता है? शिरजू ब्रदर मैंने एक वीडियो डाली है, उनके पास पप्पीज हैं, शायद 15,000 की फीमेल और 20,000 का मेल दे रहे हैं, आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो, 1-2 दिन पहले ही डाली है। फार्म परफेक्ट नहीं है, दिल भी परफेक्ट है सर, आप आइए जिस दिन आपने आना है आपको पूरा घुमाएंगे। मैसेज काफी आ चुके हैं, कलकत्ता के सर्टिफिकेट ब्रीडर लिस्ट कैसे मिलेगा? मैं एक काम करता हूँ, मैं ना एक केसीए की लिस्ट आती है जिसमें केसीए कैनल के नंबर्स होते हैं, मैं किसी दिन उसको पूरा एक वीडियो बनवा के उसमें टाइप करके एरिया वाइज मैं पूरा डालने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छे अच्छे ब्रीडर हैं कलकत्ता में भी, और मैंने सुना है वहां पर डॉबरमैन की सबसे अच्छी ब्रीडिंग होती है, हम वहां पर कवर करेंगे। फिर से 40 रुपीज, विशाल जी गिव ब्रीडर नेम ऑफ माइक्रो पॉकेट ए एम बुली। देखिए माइक्रो पॉकेट ए एम बुली मैंने 3-4 ब्रीडर कवर किए हुए हैं, सिमरत बुली कैनल, मोहित बुली कैनल और जगविंदर संधू, ये 3-4 मैंने कैनल कवर किए हुए हैं। एक होशियारपुर वाले तजविंदर सिंह जी, तेजी जी अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं, ये 4-5 बंदे एबीआर के जितने भी ग्रुप मेंबर हैं सारे अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं। जगविंदर संधू जी वैसे एक ब्रीडर ऐसे हैं जिन्होंने बुली इंडिया में पहला लाने वाले से हैं, आप उनको भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कमल बैंस है होशियारपुर के, फिर कृष्णा कोड़ा है वो भी बुली ब्रीडर है, आप इन सबको कॉन्टेक्ट कर सकते हो और ईमानदार आदमी है सारे। आप किसी भी मेरे चैनल की कोई भी वीडियो से किसी भी ब्रीडर की कंप्लेंट आती है आप मुझे डायरेक्ट कीजिए, मैं अपोलोजाइज होऊंगा अगर वो आपको धोखा देता है, मैं उनके साथ मिलकर आपकी बात को सॉर्ट आउट करवाऊंगा। पिटबुल है 43 दिन का, जब लिया था आइस कलर ब्लू था, अब कलर चेंज होने लगा है। यार ये कलर चेंज होता है,
ये मैंने भी सुना है कि अमेरिकन बुली और पिटबुल में कलर चेंज होता है। इसके ऊपर मैं पक्का एक वीडियो बनवाऊंगा किसी एक्सपर्ट से। ये मैं कि यहाँ किसी ब्रीडर को पूछ के आपको बताऊंगा, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। वाइल्ड डॉग फूड रिव्यू वंश जी, मैंने कभी ट्राई नहीं किया यार। मैं सच में दिल से बताऊं, मैंने फीड में बहुत ट्राई करता था। आज से 2 साल पहले चले जाओ, मैं फीड पर बहुत विश्वास करता था, लेकिन अब मैं देता हूं बहुत थोड़ी क्वांटिटी में देता हूं और ज़्यादा नहीं करता। मेरे पास अब पेडिग्री प्रोफेशनल या रॉयल कैनन है, तो मैं इन्हीं दो प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करता हूँ, जो पीछे से मार्स कंपनी है, शायद उनके साथ है। कलकत्ता से सर्टिफाइड ब्रीडर लिस्ट कहाँ से मिलेगा? आप केसीआई की साइट पर जाइए, वहां पर कलकत्ता के ब्रीडर देखिए, वहां पर आपको जरूर मिल जाएगा। अरुण रॉय की मारो अभी लाइव नहीं, उसका अभी एक दो मैसेज हो रहा है, वो खा के जाएगा यार। वो बहनचोद, वो हमें भी वो समझते हैं कि हम यहाँ पर डॉग बेचने के आ रहे हैं। पैसा कनेरियो तोसा इनू केन कोर्सो को फर्स्ट टाइम ओनर को बेच देते हैं, क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत है भाई। फर्स्ट टाइम ओनर को स्टार्टिंग ही लेबराडोर, जर्मन शेफर्ड, हो सके तो रॉटवाइलर, इन ब्रीडों से करनी चाहिए, ये तीनों ब्रीड। हाँ, ये नहीं है कि फर्स्ट टाइम ओनर को नहीं कर सकते। आप पप्पी लाइए 40-45 दिन का, उसको स्पेशल केयर दीजिए, एक परफेक्ट ट्रेनर लगाइए 4-5 महीने में, उसका थोड़ा सा गुस्सा टेम्परमेंट को कंट्रोल करने के लिए ट्रेनर लगाइए, उसको प्रॉपर वॉक दीजिए सुबह शाम, उसको अच्छा खाना दीजिए, उसको चेनिंग ना कीजिए तो अच्छा बन जाएगा यार। कोई भी ब्रीड हो, आप शेर भी बच्चा लेकर आओगे उसको भी पाल सकते हो, जो दुबई वगैरह में आपने देखे होंगे लाइव वीडियो, वो बच्चे से ही पालते हैं, एक अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। क्वेश्चन बहुत ऊपर नीचे है। डू वी हैव माइक्रोचिप फैसिलिटी इन इंडिया? इफ यस, हाउ टू गेट गो अबाउट इट? देखिए सर, माइक्रोचिप इंडिया में अभी एबीआर, अमेरिकन बुली रजिस्ट्रेशन, वो दे रही है, या केसीआई, कैनल क्लब ऑफ इंडिया, वो दे रही है। मार्केट में यूकेसी आया है, शायद वो भी देगी, मैंने अभी देखा नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो दे रही है या नहीं दे रही। ये तीन क्लब सिर्फ केसीआई के ये दे रही है, या आईएनकेसी, इंडियन नेशनल कैनल क्लब, वो भी माइक्रोचिप करती होंगी इशू, मैंने नहीं देखी अपनी लाइफ में। ये 3-4 क्लब है जो माइक्रोचिप देते हैं अभी तक। बाकी जितनी आप झोला शॉप माइक्रोचिप्स देख रहे हो, वो चाइनीज माइक्रोचिप्स हैं, वो चीज नहीं करेंगी। आप डॉग शो में लेकर जाओगे, वो वहां पर स्कैन नहीं होगी, आपके डॉग को कोई एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए यही माइक्रोचिप पर अभी विश्वास कीजिए। कैल्शियम मल्टीविटामिन सर, देखिए कैल्शियम मल्टीविटामिन अगर आप नेचुरल सोर्स से निकालते हो वो सबसे अच्छा है। बाजार के प्रोडक्ट हैं जैसे बीफर कंपनी के अच्छे मल्टीविटामिन कैल्शियम आते हैं, वो यूज़ कीजिए, या और भी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट आते हैं, आप पहले उनको स्टडी कीजिए, वो दीजिए। मेरे ख्याल से मुझे किसी ने बताया था कि मल्टीविटामिन जो होता है वो सर्दियों में नहीं देते, वो गर्मियों में देते हैं ताकि उसका असर गर्मियों में रहे, और कैल्शियम जो होता है वो तब देते हैं कि अगर आपको हाइट बढ़ानी है। जैसे से मैंने माइक्रो बुली लिया है, मुझे कैल्शियम के लिए मना किया गया है कि आपने बाहर का सोर्स का कैल्शियम नहीं डालना, इससे इसकी टांगे लंबी हो जाएगी और लेंथ इसकी इंक्रीज हो जाएगी। ये सारा एक वेट ही आपको अच्छी जानकारी दे सकता है, और हर ब्रीड के ऊपर कैल्शियम विटामिन अलग से असर करता है। कैन शिडजू सर्वाइव इन इंडिया? रहता है भैया, रखना चाहिए, और शिडजू ऐसी ब्रीड है जो बड़ी प्यारी है यार, आप उसके पूरा दिन कंघी करते रहिए, आप उसकी ग्रूमिंग कर सकते हो तो फिर रखिए। मेरे को देखकर चैनल बनाया है चिमन पुंबा जी ने, थैंक यू, आप मुझे लिंक भेजना हम उसको। और एक बात हो रहा है, आप जितने भी चैनल बनाते हो हम अपने कम्युनिटी में इसलिए डालते हैं कि मेरा चैनल भी जब छोटा था मुझे बहुत कम लोगों ने एक हेल्प की थी उस टाइम पर, और मैं चाहता हूं कि मैं भी हर बंदे की हेल्प करूं। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो मुझे कम्युनिटी में डालने में कोई तकलीफ नहीं है। साइबेरियन हस्की का आई कलर चेंज होता है, एवरेज प्राइस क्या होती है? भैया साइबेरियन हस्की का मैंने कलर चेंज होते हुए नहीं देखा, शायद उसका कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होगा तब कलर चेंज हुआ होगा। अपने ब्रीडर को एक बार कंसर्न कीजिए, उसको बताइए। एनएनडी का फूड कैसा है? अच्छा है, पैसे की बात है भैया, 1000-1500 रुपये किलो फूड डालना मैं नहीं अच्छा मानता। बाकी
इम्पोर्ट ड्यूटी लगी होती है, सारा कुछ लगा होता है। अच्छा है अगर आपको कोई रेकमेंड करता है, फूड कोई भी गंदा नहीं होता। से निक भाई ने भेजा है 40 रुपीज़, आप अपनी सेल करो प्लीज़, हमें आप पर ट्रस्ट है। भैया टाइम नहीं है, कैसे सेल करूँ, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर नॉलेज भी चाहिए, जो हम भी अभी लर्निंग स्टेज में है, प्लस आपको ब्रीडिंग खुद की भी होनी चाहिए, जो मैं अभी नहीं कर रहा। हाँ अगर आपको इतनी हेल्प कर सकता हूँ, आपको अच्छे अच्छे ब्रीडर को यहाँ पर लाने की कोशिश कर सकता हूँ, और मेरे आप वीडियो देखिए, सबके नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोशिश करूँगा आने वाले 2-3 साल में इंडिया के जितने भी रिप्यूटेड ब्रीडर्स हैं उनको अपने चैनल पर लाने की कोशिश करूँगा। सर मैंने कमेंट रीड कर लिया पुम्बा जी, मैंने देख लिया आपने चैनल नया बनाया है, मुझे देखकर अच्छी बात है। इंग्लिश बुलडॉग द बेस्ट ब्रीडर कौन है? इंग्लिश बुलडॉग दे ब्रीडर है जी बेस्ट, अंबाला च चले जाइए तो डीएसपी साहब है गया उथे, छिब्बर साहब, और एक हमने दिल्ली में कवर किया है अभी, वो उसका भी वीडियो देख सकते हो, बड़े अच्छे WBI कैनल हैं। और भी इंग्लिश बुलडॉग के अच्छे ब्रीडर हैं, डीप सी कैनल के पास अच्छे बुलडॉग हैं, आप उनको भी कंसल्ट कर सकते हो। और भी अच्छे अच्छे होंगे लेकिन मैंने उनको कवर अभी तक नहीं किया, जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं कवर करता जाऊंगा। देहरादून में पक्का मिलेंगे सर। एवरेज साइबेरियन हस्की का प्राइस क्या होता है? भैया पंजाब में 15-20 हज़ार का हस्की भी बिक रहा है, लेकिन इसका इतना बेड़ा गर्क किया है ना हमारे नॉर्थन वालों ने, इसकी ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, इसका कोई भी उन्होंने ब्रीडिंग के स्टैंडर्ड का कोई भी हिसाब नहीं रखा हुआ, और जो बहुत गलत बात है, मैं जब भी आपको बोलता हूँ कि एक ब्रीड लेनी चाहिए तो उसकी पेडिग्री मेंटेन कीजिए, और पेडिग्री ब्रीडर ही मेंटेन कर सकता है, बैकयार्ड ब्रीडर नहीं कभी कर सकता। बीगल फॉर फर्स्ट टाइम ओनर मस्त है यार, जब मर्जी लो, आपको मजा देगी बस। बीगल छोटी ब्रीड में बीगल भी मस्त है, शॉर्ट कोट है, कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, पहली बात कोई बीमारी की प्रॉब्लम है ही नहीं है। उसमें एक ही इशू आता है चेरी आई का, उसकी आंखों से चेरी निकल आती है, वो आपको केयर करनी है, वो उसके मदर फादर को अगर होगी तो बच्चों में नेचुरली 90% आती है, आप उसको चेक करके लीजिए। मेरे मैसेज पे तुम कुछ नहीं कर सकते अरुण राय जी, करने को मैं बड़ा कुछ कर सकता हूँ, माँ बहन भी एक कर देता हूँ, प्लीज आप चले जाइए, मूड अच्छा है तो ना खराब कीजिए। लाइव में इतना अच्छा नहीं है, दिल की धड़कन तेज हो गई, किस बात पर पुंबा जी? बीगल वो फर्स्ट टाइम ओनर, मैंने आंसर दे दिया सर। सर जी एक वीडियो बनाइए जिसमें डॉग की डाइट के बारे में हो, क्योंकि लोग डॉग तो ले लेते हैं बाद में उसका खर्चा नहीं झेल पाते, उस सड़क पर छोड़ देते। देखिए ये बात मैंने कई बार आपको बोली है कि अगर आप डॉग, आज की वीडियो में मैंने स्पेशल इसको बोला कि अगर आपके पास डॉग लेने का 20 हज़ार है, आप उसके एक्सपेंसेस हर महीने नहीं खर्च सकते तो आप बिल्कुल भी डॉग ना लीजिए, या तो फिर 20,000 की जगह आप एक स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट कीजिए, उसके ऊपर केयर कीजिए, या फिर सिंपल सी बात है ब्रीड उसी हिसाब से चूज कीजिए अगर आप उसका एक्सपेंस मेंटेन कर सकते हो। मैंने कई बच्चे देखे हैं जो मदर फादर को एक रोते हुए डॉग तो ले लेते हैं, ठीक है, बाद में उसके पेरेंट्स भी दुखी हो जाते हैं जब वो फीड का बोरा लाना पड़ता है, वेट का बिल करना पड़ता है, फिर वो डॉग निकाल देते हैं बाहर, क्योंकि बच्चा भी दुखी हो जाता है बाद में उस डॉग से, वो अबॉन्डन हो जाता है, वो बहुत गलत बात है। मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट के ऐसे लॉ होने चाहिए कि अगर आपको अडॉप्शन करवानी है तो एक डायरेक्ट ब्रीडर से करवाई जाए, वो ब्रीडर उसका मेंटेन रखे, रजिस्टर, जिसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप उसको प्लीज देखना। इंग्लिश मैस्टिफ वेट इन 18 मंथ, भैया इसकी थोड़ी सी मुझे नॉलेज कम है, मेरे ख्याल से 55 to 60 kg होना चाहिए उसका। मेल सर पुम्बा जी आप कीजिए scoobydoo@gmail.com। रिलैक्स जी, अरुण राय जी थोड़ी खारिश हो रही है उनको, होशियारपुर देर किसी दी वीडियो बनाओ, होशियारपुर दे असी तजिंदर सिंह तेजी भाई साहब है अपने, उनकी वीडियो बनाई सी और बड़ा मजा आया ही, उनके कोल दो वीडियो बनाई है, हूँ बाकियां नाल भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा लॉकडाउन खुलता है तो फिर जाते हैं सभी के पास।
अमेरिकन बुली ब्रिंडल कलर अच्छी क्वालिटी का कितने का मिलता है और कहाँ पर? मेरे अश्विंदर जी, आप ना एक काम कीजिए, मेरे ना चैनल पर 5-6-7 वीडियो हैं अमेरिकन बुली, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, ये कलर की बारे में आप उनको नॉलेज ले सकते हो थोड़ा सा। यार आपको ना मेरे चैनल पर सर्च करना होगा, आप एक काम कीजिए यूट्यूब में जाइए स्कूबर्स लेब्राडोर लिखिए, आपको लेब्राडोर के ब्रीडर मिल जाएंगे, स्कूबर्स अमेरिकन बुली लिखिए, आपको अमेरिकन बुली के ब्रीडर मिल जाएंगे, स्कूबर्स रॉटवाइलर लिखिए, आपको डायरेक्ट पूरे रॉटवाइलर के ब्रीडर मिल जाएंगे। आप ऐसे सर्च कर सकते हो, फिर आपको भी मुश्किल नहीं होगी, आप जिससे मर्जी ट्राई कीजिए, जो अच्छा आपको लगता है वहां से करिए। डू यू गेट लॉन्ग जर्मन शेफर्ड विथ स्ट्रेट बैक? मेरे पास तो नहीं है, कोशिश करूंगा किसी दिन अगर किसी ब्रीडर के पास मिल जाए तो। अरुण राय तू अपना नंबर तो दे, अभी लाइव कॉल लगाता हूँ, दे नंबर यहाँ पर, छाप तू अभी नंबर, अगर ये बाप की औलाद है ना बहन चो, यहाँ पर नंबर डाल। साले क्या 200 मैसेज लिख रहा है, छक्कों की तरह बहन चो लगा हुआ है। सारे लाइव की माँ बहन ये कर रहा तू, डाल अभी नंबर डाल बहन चो, तो अभी लाइव कॉल करता हूँ तेरे को, यहाँ पर मैसेज लिखने से कुछ नहीं होगा साले। न्यूफाउंडलैंड पप्पीज के ब्रीडर कौन है बेस्ट? मैं ब्रदर सर्च कर लूंगा, और हो सके तो 1-2 दिन में उनका नंबर नंबर पब्लिश कर दूंगा। मैंने नहीं देखा इंडिया में अभी ऐसा पप्पीज, मैंने जितने भी डॉग शो केसीए के किए हैं मैंने अभी तक नहीं देखा। मे भी नागराज शेट्टी जी के पास हूँ, मे भी, मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसी ब्रीड उनके पास ज्यादातर होती हैं। क्या YouTube सस्पेंड करेगा तो साले क्या हो जाएगा, मेरा धंधा बंद हो जाएगा? बहनचोद नंबर डाल, अगर एक बाप की औलाद है, पूरा तुझे मैं चैलेंज दे रहा हूं, ऐसे बकवास करता साला, तेरे जैसे कई आते हैं, तेरे को ब्लॉक कैसे करना है यार, कोई बताना है इसको ब्लॉक करने करना, साले को इसको ही ब्लॉक करते हैं अपने चैनल से, कहां से करना है इसको? बहनचोद ऐसे ही दिमाग खराब करते हैं बहनचोद, चुप चुप लिखने से साले नंबर डाल, तू अभी करता हूं साले। तेरे जैसे पता कौन से बंदे होते हैं रात को 11 बजे फोन करके पूछते हैं, हेलो पापा बोल रहे हैं कि इसने ये क्या किया, पापा बोल रहे। और तेरे जैसे ना, जा दूध पी पहले ना, जाके ठंडा दूध पी, मम्मा ने डाला होगा बॉर्नविटा डाल उसमें। बहनचोद यार ये कहां पर है, पहले इसको कर ले बहनचोद। एक तो तेरी माँ की, साले माँ बाप पर मैं जाना नहीं चाहता रून रहा है, नाम तेरा अच्छा है पर है तेरी हरकतें हैं गलत यार, ये क्लिक नहीं हो रहा है इसके ऊपर, पता नहीं क्या है यार ये, बोलने दो यार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अबे चूतिए एक मिनट मेरी बात सुन, अब सुन ले। अच्छा दोस्तों, मैं चैनल जब से बनाया हूं, मेरी ध्यान से बात सुनना, ये इन लोगों को पता क्या लगता है, ये होते हैं ब्रोकर, ठीक है। मैंने चैनल पर 270 से 80 वीडियो डाला था, आप सुनते रहिए, पहले प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। तू रिपोर्ट कर मादर चो, तू अभी चैनल मेरा बंद करवा दे, कोई बात नहीं, तू जो मर्जी कर, पहले मैं दोस्तों आपको इनकम की बात बता देता हूँ। नहीं, रिलैक्स जी, अभी बात सुनना। नहीं प्रवीण गलेरिया जी, आप मेरी बात सुनो, इसको मैं जवाब देना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि YouTube पर मुझे बहुत इनकम होती है, ठीक है, इनका फंडा ये है। यहां से जयपुर तक ट्रेवल करने के लिए हमें 25 से 30,000 लगा था 3 दिन का, ठीक है। वो 4 वीडियो आप उठा के देख लीजिए, हमें मोनोटाइज से 7 से 8 हजार आए होंगे, ठीक है। आज तक मेरी 3.5 से 4 लाख रुपया मुझे YouTube ने दिया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने ट्रेवल कर करके, कार में ट्रेवल कर किया, कहीं पर कैमरामैन भेजा, कहीं पर हमें इंस्ट्रूमेंट लेने पड़े शूटिंग के लिए, कहीं पर हमने ट्रेवल किया, एक दिल्ली में ब्रीडर कवर करने के लिए स्पेशल दिल्ली जाते रहे हैं और वहां पर करते रहे हैं। उसके बाद भी हमें अगर 4 लाख आया तो हमारा 4 लाख जेब से ही लगा होगा, तब ये चैनल जहां पर आके खड़ा हुआ है। ये 8-9 महीने हम, मुझे पता है
कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम 3 महीने में कम से कम 100-150 ब्रीडर और कवर कर चुके होते। उल्टा हमने जेब से पैसा लगाया है। एक हमारी जो खुंदक है दिमाग में, वो मेरी एक अमे नागर भाई है, उनसे भी मेरी बात हुई थी, ये खुंदक के कारण चैनल खुला है। खुंदक मतलब एक आपसी रंजिश के कारण। यार मेरे से नहीं आ रहा। अगर इनकम होती है तो साले मैं कौन सा व्हाट्सएप पे वीडियो मंगवा मंगवा के कर रहा हूं, या मैंने कौन सा डॉग सेल कर दिया आज तक, एक भी मुझे बताओ ना कौन सा मैंने यहां पर कर दिया। YouTube से मेड बने हैं साले, इतने जितना YouTube पैसा देता किसी दिन मैं इधर डाल ही दूंगा, आपको भी लगेगा। नहीं प्रवीण जी गुस्से की नहीं बात, एक आदमी आई एम डूइंग इन्वेस्टिगेट। यार तू इन्वेस्टिगेट क्या करा रहा है, तू अपना नंबर दे, मैं तुझे अपना नंबर शेयर करता हूँ, लाइव लोकेशन भेजूंगा यहाँ की, तू कर। यार तुम जैसे ना, पता क्या, एक होते बैकयार्ड ब्रीडर, एक होते ही बैकयार्ड पदाइश, तुम उन लोगों में से एक, तुम्हें गालियों के बगैर कोई बात नहीं आती। चलो दोस्तों मिलते हैं, यार दिमाग खराब कर रहा है ये बंदा, हम 1 घंटे के लिए आए थे वो भी गया शायद। यार ये नंबर दे, तू नंबर तो दे, तुम पैसे लेते हो ब्रीडर से। अगर कोई ब्रीडर उठ के खड़ा होके एक अपनी फेसबुक की पोस्ट में डाल दे कि मेरे से कार्तिक या स्कूबर्स के किसी बंदे ने पैसा लिया है, आपके सामने लाइव पहले यूट्यूब डिलीट करूंगा, उस ब्रीडर को इसके पासवर्ड भी दे दूंगा, अगर मैंने कोई पैसा किसी ब्रीडर से लिया है आज तक। ये चैलेंज है, कोई बंदा प्रूफ करके बता दे कि मैंने ब्रीडर से कमीशन मांगी है, या ब्रीडर को कभी पूछा है कि आपके कितने पप्पी सेल हुए, कोई बंदा बता दे, एक सिंगल ब्रीडर आप मुझे बता दीजिए। यार ये ऐसी बातें होती हैं, दावे की, बिल्कुल दावा कर रहा हूं यार। यार ये सौरभ डॉग कैनल वाला चूतिया है बहनचोद, कभी 1 करोड़ देखा है सारे जिंदगी में, देखा है तूने जो करोड़ों की बातें कर रहा है। योगी की रिकॉर्डिंग डाल रहा था किसी दिन, तेरे जीजा लगता है योगी जो उसकी रिकॉर्डिंग डाल रहा है, लाइव बोल रहा हूं तुझे। राज्यपाल मुद्दल, हाँ बिल्कुल सर करेंगे, लैग सर कोई बात नहीं, एक्सपोज करना, एक्सपोज उसको किया जाता है जो बंदा झूठ बोल रहा है। हमने ब्रीडर से आज तक पैसा नहीं लिया, हमने अपनी जेब से पैसे लगा के ब्रीडर की इंटरव्यू की है, वो हमारी एक पर्सनली खुंदक है, जितने भी ब्रीडर हमारे पास रिस्पेक्टेड है वो कोई भी ऑनलाइन बच्चा नहीं बेचता, या उनके बच्चे पहले नहीं बिकते थे, सब कुछ बिकता था, एक हमने नॉलेज लेने के लिए उनसे इंटरव्यू ली है, सीधी सी बात है। यार नहीं हो रहा ब्लॉक मेरे से, नहीं हो रहा, हाँ चिल्ली करेंगे यार, नाम चेंज हो गया स्कूबी डू का, हाँ भैया ठीक है, मैकडॉग्स कैनल, पाकिस्तान बुल्ली पर जल्दी करेंगे, वी सपोर्ट यू, थैंक यू ब्रदर, आपके कारण ही आता हूँ यार, ये एक आधा बोंगता रहता है, बोला शोला कि ये प्रॉब्लम मेरे से नहीं है भैया, उसकी 1100 वीडियो उठा के देखिए, जितना झूठ उसने जिंदगी में बोला है ना इस पेट इंडस्ट्री में, जितना बेड़ा गर्क उस बंद उन यूट्यूबर्स ने किया है ना, मैं मुंह पर कहता हूँ उतना किसी ने नहीं किया। सच बोलने की हमेशा हिम्मत होनी चाहिए भैया। स्ट्रेट बैक जीएसटी मेल को एंगुलेशन की फीमेल के साथ मीटिंग करवा सकते हैं, यार करवा सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा, पर मेरे हिसाब से स्ट्रेट बैक को स्ट्रेट बैक रहने दीजिए, एंगुलेशन को एंगुलेशन रहने दीजिए, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास एंगुलेशन वाली फीमेल है तो आप एक एंगुलेशन वाला डॉग ढूंढिए, उसको ना वर्किंग डॉग में लाइए, एक अच्छी पेडिग्री मेंटेन करना इसी को कहते हैं। अगर आपके पास एंगुलेशन वाली फीमेल है तो आप उसको एंगुलेशन वाली फीमेल के साथ ही मेट करवाइए, उसको कहते हैं पेडिग्री मेंटेन करना। सीबीआई का कोई काम नहीं है क्या, सीबीआई तो हम बने हुए हैं भैया, बोला शोला वाला है, छोड़ो निशांत भैया छोड़ो यार, ये गालियां खा के निकलते, नहीं नहीं इसको ब्लॉक ना कीजिए यार, ये मुझे भी मजा आता है गालियां निकालने का, ऐसा नहीं है, गालियां निकालने से कुछ नहीं होता। सौरभ डॉग कैनल,
यार उसको एक बार रोस्ट कर दिया कर दिया। रोस्टिंग से, रोस्टिंग का मतलब क्या होता है पहले मुझे ये बताओ। रोस्टिंग, अगर कोई बंदा आपकी गलतियां आपको बता रहा है, जैसे उसने बोला कि दूध में मल्टी विटामिन होते हैं, कैल्शियम होते हैं, उसके पेट खराब हो जाता है, उसने ठीक है, उसने कुछ ना कुछ हमारी वीडियो से सीखा होगा तो उसके लिए अच्छा है, वो अपना बिजनेस ग्रो करे। हम ये नहीं कहते कोई मेरी रोस्टिंग से बिजनेस अपना बंद कर दे, लेकिन लोगों को ठगना कम कीजिए। ये ना बोलिए कि मेरे कैनल्स हैं, मेरे फलाना है, मेरी अपनी होम ब्रीडिंग है, ये काम ना कीजिए। ब्रीडर एक बड़ा रिस्पेक्टेड वर्ड है, इसको मिसयूज इन यूट्यूबर के द्वारा मिसयूज हुआ है। जो आज की डेट में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, AWBI ने ब्रीडर्स को सबके साथ मिला दिया है, हैंडलर को भी ब्रीडर, पेट शॉप को भी ब्रीडर, फलाने को भी ब्रीडर, ट्रेडर को भी ब्रीडर, सभी को, ये अरुण राय को भी ब्रीडर बना दिया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ब्रीडर एक रिस्पेक्टेड है, ब्रीडिंग करना कोई गलत काम नहीं है, हॉर्स काओ सभी में ब्रीडिंग होती है, ये एक रिस्पेक्टेड वर्ड है। तुम्हारी औकात क्या है भाई साहब, अपना नंबर तो दो। औकात यार, ये इसको कैसे निकाले यार, ये क्लिक ही नहीं हो रहा। चलिए गए, अब चले कैरी मनाती डॉग कर दो। यार कैरी मनाती अजय ना कर, मैं आपको ना यकीन करो, अब मैं ऐसे ही आपको बोलूंगा, हो सके तो मेरा एक साल के अंदर चैनल इंप्रूव होने दीजिए, मैं इनके साथ भी कोलैब करने के लिए रेडी हूँ। वो शायद करे ना करे, लेकिन मैं अजय नागर को अच्छी तरह से जानता हूँ, और मेरे एक फ्रेंड हैं, उनके अच्छे, मतलब उसके जो ब्रदर है, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, हम करेंगे किसी ना किसी दिन उसको भी लाएंगे। डर गए, डरना उसको कहते हैं भाई। प्रियांशु जी बाय बाय, मैंने आपका टाइम लिया क्योंकि मैं नंबर देख रहा हूँ, जब तक थोड़े से भाई ज्यादा आएंगे तो कर लेंगे। एसी चला हुआ है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजपूत जी, मैं कसम से, मैं बिल्कुल ईमानदारी से लगा हूँ, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि यहाँ पर 10,000 की सैलरी, अच्छे बीगल हैंडलिंग स्टार्ट हो सकता है, 10,000 सैलरी से अच्छा बीगल हैंडलिंग स्टार्ट हो सकता है। मैं मतलब नहीं समझा कि आप डॉग हैंडलिंग सीखना चाहते हो या डॉग के आपने बजट रखा है 10,000 रुपये पर मंथ, मुझे समझ नहीं आया, फिर से लिख दीजिए। बोला शोला से डॉग लूँ क्या यार, वो विशाल जी कोई ब्रीडर थोड़ा यार, किसी अच्छे ब्रीडर से, अपने पड़ोस से ले लीजिए, ब्रीडर से लीजिए। बोला शोला कोई ब्रीडर नहीं है यार, मेरे से यहाँ पर 70-80 किलोमीटर दूर है बोला शोला का, जो उसने प्राइवेट फार्म लिमिटेड बनाया हुआ था, और सच में बताऊं कुछ भी नहीं है। मैं अब रोस्ट नहीं कर रहा, अब नाम लगाया जो जयदीप है, वो उनका सेल हेड था, वो निकला, उनको ज्यादा एक्सपोज कर रहा है, मुझे जितनी बातें नहीं पता थी वो भी उसने बताई है, वहां से बिल्कुल मत लीजिए, वो ब्रोकर है, प्योर ब्रोकर है बोला शोला। यार ये ब्लैक पोटी कर रहा है, कौन सा डॉग है, मैं एक मिनट ऊपर पढ़ता हूँ। पोटी का कलर नहीं होता, अपने क्या नाम था अक्षय चौहान जी, पोटी एक बार ना फिर से आप मैसेज कीजिए, मैं करता हूँ। अमन परमार जी, मैं ब्रीडर सजेस्ट करूँ, आप एक काम कीजिए, बीगल आपने लेना है, डीप सी कैनल के पास अच्छे बीगल की ब्रीडिंग हो रही है, आप उनके कॉन्टेक्ट कर सकते हो। 15,000 में कोई छोटा डॉग आ सकता है क्या भाई? 15,000 में देखो सर, पग आता है, कल्चर पॉम आता है, पोमेरियन भी इसी रेंज में आ जाते हैं, और बीगल भी आ जाएगा, फीमेल आ जाएगी मेरे ख्याल से, और छोटी ब्रीड कौन सी होती है, और भी होती हैं, आप कर सकते हो ट्राई, ये छोटी ब्रीड ही है सारे। इंडियन प्रिया का KCI ब्रीड स्टैंडर्ड क्या है? KCI देखिए अभी नहीं रजिस्टर करता, लेकिन KCI ने कभी किसी डॉग शो में, मैंने भी एक बार बोला था कि KCI में उसकी एंट्री होनी चाहिए। KCI इंडियन ब्रीड्स को बिल्कुल प्रमोट करता है और वहां पर उनको बुलाता भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही बुलाता है, लेकिन कोई लेकर नहीं जाता। जैसे राजा पल्ले में मेरे ख्याल से फ्री एंट्री है उसकी, ये करना चाहिए, राजा पल्ले वगैरह आपको करना चाहिए। थैंक यू यार चक्रवर्ती साहब, थैंक यू, आपने उसको ब्लॉक किया। मैं बादल भंडारी से डॉग लूं, बादल भंडारी का यार मुझे ना सारे पूछते हैं, बादल भंडारी 24 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपको कोई डॉग देंगे बहुत सोच समझ से, सोच समझ के ही देंगे, वैसा कोई टेंशन का बात नहीं है। सर यूर ब्रीडर एक्सपोर्ट पप्पी इन नेपाल, हाँ यार ये मैं, ये इंपोर्ट वाला जो फंडा है ना, मैं आपको बता देता हूँ, वर्ल्ड की एक ऐसी ही कंट्री है जिसने इंपोर्ट को बैन लगा रखा है, वो है इंडिया। AWBI
या पीएफए के कुछ मेंबर मिलके इंपोर्ट को ऐसे बैन करवा दिया जैसे वो धोती में घूमते हैं, बैलगाड़ियों पर चलते हैं, या मतलब इंडिया का ही अपनी जिम्मेदारियों से भूल के। मैं ऐसी ऐसी एनजीओ आपको बताऊंगा जिसने एक एक लेडी, एक एक बंदे ने एक एनजीओ रजिस्टर्ड करवाई हुई है और एक बार खाना डाल के फेसबुक में फोटो डालती है ना, आपने भी देखा होगा, जो अपने वर्क को बिल्कुल नहीं करते, और इंपोर्ट बैन करवा दिया यार। देश यहाँ पर ओलंपिक करवाने के लिए इंडिया को बेकरार है। डॉग के भी ओलंपिक होते हैं। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप प्लीज उसको शेयर करना। उसमें पेट लवर्स जितने हैं, जितने हरास होंगे आने वाले टाइम में, इतना कोई भी नहीं होगा। सच में कह रहा हूँ, ये जो अगला टाइम है ना, वो इन्होंने ऐसे रूल्स बना दिए हैं। और फॉरेन ब्रीड बोलते हैं, किस बात का फॉरेन है मुझे बताइए, ये फॉरेन ब्रीड कैसे है मुझे एक बात बताइए। जो हमारे देश में 300-400 साल से है ऑलरेडी, ठीक है, बैलगाड़ी पर तो नहीं हम चल रहे, कार ला रहे हैं, BMW ला रहे हैं, ओडी ला रहे हैं, मारुति ला रहे हैं, सुजुकी ला रहे हैं, ये हमारे इंडिया के तो नहीं है ना, सब टेक्नोलॉजी बाहर से ही आई है ना, तो फिर ये डॉग कैसे फॉरेन ब्रीड है, मुझे आज तक ये नहीं समझ लगा। भाई साहब, अगर ये ब्रीडर ना हो, इसको ब्रीडर मेंटेन करने वाले ना हो, तो ये डॉग खत्म ही हो जाए। और ये गूगल पर मिलेंगे, जो इन्होंने रूल लाए हैं ना नए, उस पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। ये नहीं तो डॉग, सैंड बर्नार्ड, हस्की, लैब्राडोर, ये आपको सब गूगल पर ही मिलेंगे। रिलैक्स जी ने गिव अवे एक्सेप्ट भी कर लिया है, उनका बायर पपी 45 डेज का जिस दिन होगा, 7-8 दिन रह गए हैं शायद, वो ब्रीडर मेरे पास भेजेगा, मैं उसका एक प्रॉपर वीडियो आपको बनाऊंगा, उसके बाद वो बायर चला जाएगा गुवाहाटी में, ठीक है जी। रिलैक्स जी, गुवाहाटी में उनका घर है, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा है, मैं उस वीडियो के, जब मेरे पास पप्पी आएगा रेडी होके 45 डेज में, तो मैं उसका एक वीडियो बना के डाल दूंगा। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, गिव अवे सिमरत बुली कैनल ही ला रहा है, 15-20 दिन में 1 लीटर हो रहा है, फिर हम अनाउंस करेंगे। जो ब्रीडर हमें दे रहा है वो आपको मिलेगा, सिंपल सी बात है। रिलैक्स जी, नोटिफिकेशन और पॉलिसी चैलेंज बाय सुप्रीम कोर्ट, ये तो कर दिया है, लेकिन देखते हैं क्या बनता है। ये नोटिफिकेशन की बात नहीं है, एक्चुअली क्या है कि इसमें सरकार का कोई कसूर नहीं है, ये इसमें मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको भी समझ आएगा ये कौन कौन से षड्यंत्र रचा रहे हैं जो नीचे के एनजीओज हैं। एनजीओज अपने काम बिल्कुल नहीं करते। आज एक वीडियो मैंने देखा है, गायें सड़क पर बैठी हुई है, उसका पेट पूरा लिटरली बाहर निकला हुआ है, वहां पर एनजीओ नहीं पहुंची। हिमाचल में बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां पर किसी मंत्री ने नहीं बोला कि ऐसा काम क्यों हुआ है, वो भी काउ पर हुआ है, गाय माता पर हुआ है, और वहां पर किसी ने, अच्छे बड़े बंदे ने बयान नहीं दिया। लेकिन हमारे पास हक है, हम राइट ऑफ स्पीक का हमारे पास हक है, 19A का सेक्शन हमारे पास है, हम इसके बारे में जरूर बताएंगे कि क्या गलत हो रहा है। अकीता ब्रीड अच्छी लगती है मगर सेल प्रॉब्लम आती है महाराष्ट्र में। सर ऐसा नहीं है, हर एरिया का सेल प्रॉब्लम नहीं होता। अकीता आप ब्रीड करवाते हो, आपके गुजरात में अकीता बहुत अच्छे बिकते हैं, वहां पर आप कर सकते हो सेल। और कैरी मनाती का यार रैप सुना, बड़ा मजा आया, यलगार, मजा आ गया बिल्कुल ही। संचित की दुनिया इम्प्योर डॉग दिखाता है और बेचता है। सर वो कुछ नहीं करता, मैं आपको सिंपल सा फंडा एक बता देता हूँ। व्हाट्सएप पर जो जितने भी इम्प्योर डॉग होते हैं, जो मिक्सिंग हो जाती है गलती से, वो ऐसे चैनल ढूंढती है, संचित की दुनिया, सरोज राठौर, और भी 4-5 चैनल ऐसे हैं जो 100-200 रुपया लेकर व्हाट्सएप पर भेज देते हैं वीडियो उनको बना के, और वो अपने चैनल पर पब्लिश करते हैं, व्यूज के व्यूज मिल जाते हैं, पैसे का पैसा आ जाता है, व्हाट्सएप मतलब यूट्यूब भी पैसा मिल जाता है, बड़ा कुछ हो जाता है, कंटेंट है उनका। और आप जैसे लोग ले भी लेते हो वो डॉग, जो मेरे हिसाब से लेने नहीं चाहिए। न्यू मैस्टिफ कैनल पर वीडियो बनाओ, पक्का सर, पक्का योगेश जी, पक्का। मेल्टीज का ब्रीडर का नाम बताओ। ये मेल्टीज, एक काम करो आप ना, दिल्ली में एक मैंने ब्रीडर है, उनका इंटरव्यू नहीं कर सका, शायद मैं बाद में करूंगा, दीवान जी, मैं उनका नंबर आप मुझे ले लीजिए। ये उनका एक ग्रुप है, उसमें मेल्टीज, पूडल, ये जितनी भी ब्रीड है, ये उनके पास अच्छी मिलती है।
सर 100 रुपए का चैट भेजा, ड्रीम पॉज कैनल, सर आपने लिख दिया, वो चैट हमारे पास पहुंच गया। चैट से नहीं होता यार, दिल से प्यार है आपका। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ये चैटिंग जितने भी पैसे आ रहे हैं इसका हम हिसाब रखेंगे और गिव अवे आपके लिए ले आएंगे। कुछ पैसे हम यूट्यूब से डाल लेंगे, आपके लिए गिव अवे ले आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं स्ट्रीट डॉग को खाना डालता हूँ इसलिए मैं आप मुझे सुपर चैट दीजिए। नहीं ब्रदर, मैं गिव अवे दे दूंगा स्ट्रीट डॉग को, जो हम हमारे से होता है वो हम डाल रहे हैं, सभी डालते होंगे। 14-15 साल में पाकिस्तानी को भी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है, पर ये फॉरेन ब्रीड को 100 ईयर में। बिल्कुल जय खेड़े जी, ये जो फॉरेन ब्रीड्स बोल रहे हैं इनको हम जवाब देंगे। और मैं चाहता हूं दिल से, वो वीडियो जिस दिन मेरी आएगी, 1-2 दिन में आएगी, आपने प्लीज अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डालनी है और हर डॉग लवर को भेजनी है, आपने फेसबुक पर भी डालनी है, हर जगह वो वीडियो होनी चाहिए। वो मैं दिल से कहता हूँ आप उसको सपोर्ट करना वीडियो को, क्योंकि उसमें सिर्फ पेट लवर को टारगेट किया गया है, अकेले ब्रीडर को टारगेट नहीं किया। ब्रीडर तो ले लेगा लाइसेंस यार, लेकिन पेट लवर के ऊपर जो कंडीशंस लगाई हुई हैं उसका मैं खुलासा आपके साथ करूंगा। कोर्गी ब्रीड कहाँ मिलेगा? मैं कलकत्ता से हूँ, आप मेरे एक डॉग शो है उसमें कोर्गी के ब्रीडर हैं। वैसे मैं इंटरव्यू जल्दी करूंगा और आपको बता दूंगा। वंश जी, मुझे पता है आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, अभी आप धर्मशाला में पढ़ रहे हो, मुझे पता है जितने भी यहाँ पर सब्सक्राइबर हैं मैं सभी को दिल से एक एक को जानता हूँ। अंकु21 मेरा पहला सब्सक्राइबर है, आज वो लाइव नहीं आया, उनको नोटिफिकेशन नहीं मिला होगा। नहीं सर, आपको मिला या नहीं वो पूछ रहा, बिकॉज मेरे पास शो नहीं किया, प्लीज डोंट माइंड। ड्रीम पास कैनल जी मैं देख लूंगा, मुझे पता नहीं है कहाँ से देखते हैं, अगर आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आ गया तब भी ठीक है सर, आपकी जेब में मेरी जेब में एक बराबर है। वंश जी, फीमेल जीएसडी का गिव अवे, देखिए सब्सक्राइबर को ही मिलेगा, मैंने बड़ी ईमानदारी से सब्सक्राइबर को दिया था और दिल जानता है कि वो मेरा मन कितना भारी था कि एक को मिला बाकियों को क्यों ना दे सका। और ये मेरे कई ब्रीडर हैं, मैं आप कईयों के लीटर होने वाले हैं और वो भी जल्दी अनाउंस करूंगा, जितने गिव अवे आएंगे आपको मिलेगा। श्योरिटी यहाँ पर हर महीने कोई ना कोई गिव अवे लाने की कोशिश करूंगा। डॉग टेल कट करते हैं कुछ डॉग के लिए डोबरमैन नाल, सर एक होती है डॉग डॉकिंग, ठीक है, टेल को काटना डॉकिंग होती है, वो काटते हैं 3-4 महीने के बाद। कई डॉकिंग कर देते हैं जब वो पैदा होता है तो वहां पर रबड़ बैंड कर देते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि डॉकिंग करवा के डॉग अच्छा परफॉर्म करेगा, ये माइंडसेट की गेम है। रॉटवाइलर में पहले डॉकिंग चलती थी लेकिन अब टेल के साथ वो इतना अच्छा लगता है, अब कोई डॉक भी करवाता भी नहीं है, और अगर किसी ने डॉक करवाया भी हो तो बुरा लगता है, ये सिर्फ माइंडसेट की गेम है। आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो रावा जी, मेल कीजिए या इंस्टाग्राम पर कीजिए, हम आपको जवाब देंगे। भाई मेरे पास 50 डॉग है चैंपियन लाइन का, किसी को चाहिए फ्री अडॉप्शन के लिए, मैं समझा नहीं भाई, मेरे पास 50 डॉग है चैंपियन लाइन का। जयदीप जोन जी आप मुझे ऐड कीजिए, अडॉप्शन तो हम यहाँ पर डाल देंगे अगर आपने देनी है किसी को। आकाश कनौजिया जी, आप पुराने हो, आप नए नहीं हो, पुराने हो, मैं जानता हूं। धर्मशाला में अच्छे ब्रीडर का इंटरव्यू कीजिए, धर्मशाला में जी आलोक नंदा जी का भी कैनल है लेकिन शायद वो वहां पर बैठते नहीं है, और धर्मशाला में एक हमने कैनल किया था आपके कांगड़ा में, सरदार जी थे हमारे, उनका भी कैनल था, जर्मन शेफर्ड का काम है, उनकी शॉप भी है कांगड़ा में, आप कंसल्ट कीजिए उनको। ओस्कर डॉग फार्म है, वो भी अच्छी ब्रीडिंग करते हैं, अब मेरे ख्याल से नहीं कर रहे, कोई प्रॉब्लम चल रहा होगा उनके पास। न्यूट्रिंग कब कराते हैं? ब्लैक जैक जी, न्यूट्रिंग 6 महीने के बाद आप करवा सकते हो, न्यूट्रिंग के लॉसेस ज़्यादा है, अगर आपको कोई सीरियस बीमारी हो आपकी फीमेल को या मेल को तब करवाइए, नहीं तो इसके फायदे कम है नुकसान ज़्यादा है न्यूट्रिंग के। वर्किंग लाइन जीएसडी कैनल है सर, अपने नहीं कवर किए, हम जरूर कवर करेंगे। महाराष्ट्र में कीता भरोसे वाला कहाँ मिलेगा सर, ये आपको केसीए की साइट में जाके अकीता ब्रीडर देखिए, या पंजाब से ही मंगवाइए क्योंकि पंजाब में अकीता की ट्रेंडिंग ज़्यादा है और अच्छे ब्रीडर
यहाँ पर कर रहे हैं। भाई आपसे कॉन्टेक्ट कीजिए कीजिए कीजिए। जयदेव जोन जी, वैसे यार आपका कमेंट हर वीडियो में आते हैं, हरिद्वार में कोई लैब्राडोर ब्रीडर है? हरिद्वार हमने शायद कवर नहीं किया, ना मैं गया हूँ। करेंगे यार, पता क्या, ब्रीडर हर जगह में है, आपको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और आपको मिलेगा ब्रीडर। जब आप ट्राई करोगे, अपने आस पड़ोस में देखोगे तो ब्रीडर्स मिल जाते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि हर 1-2 महीने में हम ब्रीडर कवर कर सकते हैं। सैटरडे संडे हमें टाइम मिलता, हम 2-3 ब्रीडर कवर करके आपको वीडियो डाल देते हैं, जो लॉकडाउन की वजह से हमारे चैनल को एक बिल्कुल ही डेड रिस्पॉन्स मिला है। लॉकडाउन में लोगों का चैनल ऊपर गया होगा, मेरा बिल्कुल नीचे गया, और उसका कारण मुझे भी पता है कि मेरा जो मेन नीच था ब्रीडर इंटरव्यू, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। लेकिन मैं कोशिश करने वाले में से हूँ, मुझे अगर आप 1,000 लोग भी एक वीडियो में रिस्पॉन्स दे देते हो, मेरे लिए वो भी बहुत बहुत सक्सेसफुल बात है, क्योंकि आप एक फैमिली की तरह बन चुके हो। इतने क्वेश्चन आते हैं, जो मेरी समझ में होते हैं मैं आपको आंसर देता हूँ, ये मेरे लिए दिल से सलूट है आप लोगों को। मेल्टीज का आप मुझे ना मेल कीजिए, मैं आपको नंबर दे देता हूँ, तो दीवान सर का उनके पास मिल जाएगा आप। मैं फर्स्ट टाइम आया डॉग फ्रेंड फॉर एवर देखकर, उनका चैनल बहुत अच्छा है जी, बिल्कुल अच्छा है, जेन्युइन आदमी है वो। स्मॉइड ब्रीड फर्स्ट टाइम ओनर के लिए कैसी है? एमपी जबलपुर से हूँ युगविंदर सिंह जी। स्मॉइड अगर आपने लेनी है, बिल्कुल बच्चों की तरह ब्रीड है वो। पहली बात तो ये है, हर वक्त चिल्लाना मतलब खेलते रहना, और एक बिल्कुल आप फर्स्ट टाइम हो या बिल्कुल बच्चों के 4 साल के बच्चा भी होगा, उसके पास पास भी छोड़ दी थी, वैसी ब्रीड है। आंखें बंद करके लीजिए स्मॉइड, मेरी तो एक दिल से बड़ी ही प्यारी ब्रीड है वो। अमेरिकन बुली के कान कटवाने चाहिए अश्विंदर सिंह जी। अब मैंने देखिए होता क्या, मैंने आपको पहले भी बताया, ये टेल डॉकिंग या कान कटवाना एक हमारे माइंडसेट में है। हम जितना देखिए, जितना किसी डॉग को देखते हैं बिना टेल के, रॉयल सोल्जर मैं चैनल देखता हूँ, उसमें डॉबरमैन की टेल कटी हुई है, ठीक है, उसको मैं देखते रहूँगा 7-8 महीने, तो मुझे वही अच्छा लगेगा। अगर वो टेल के साथ होते, अगर मैं उसको 1 साल देख लूँगा, तो मुझे वो भी अच्छा लगेगा। उन्होंने शायद एक पप्पी रखा है जो टेल के साथ है, और वो भी अच्छा लगेगा। ये सिर्फ माइंडसेट की गेम है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि टेल कान कटवाने चाहिए, इन्फेक्शन हो जाती है, नहीं हो जाती है, ये कुछ भी नहीं है, ये सजावटी काम है। अगर आप बोलो कि टेल डॉकिंग या उससे उसको पेन होती है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है, कोई पेन नहीं होती डॉग के ऊपर, अगर आप अच्छे वेट से करवाते हो तो चलता है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने डूडो की नहीं करवानी, मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मुझे अच्छा लगता है वैसे भी वो, तो आपको भी अच्छा लगेगा। आप 1 साल देखोगे, जब उसकी वीडियो देखते रहोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, फिर आप भी नहीं करवाओगे। बेल्जियन शेफर्ड के ब्रीडर से बताइए। पक्का सर, पक्का, डोबरमैन ब्रीडर हरियाणा, मैं सर कवर करूँगा। काफ़ी कम कैनल मिले हैं मुझे डोबरमैन के, एक शायद मेरा डॉग शो था, उसमें मैंने डोबरमैन के ब्रीडर ही कवर किए थे, राजस्थान में बड़ा अच्छा शो हुआ था, उसमें कम से कम भी 40 डोबरमैन आए हुए थे, उसमें सारे ब्रीडर के नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, शायद 1-2 घंटे, सवा घंटा हो गया, अब संडे को मिलेंगे। महाराष्ट्र कब आ रहे हो सर? सर कोविड खत्म होने दीजिए, हम आ जाएंगे दूसरे दिन ही। सर वन मोर क्वेश्चन, डॉबरमैन फर्स्ट टाइम ओनर के लिए सही रहेगा? मुझे डॉग पालने का एक्सपीरियंस नहीं है। सर योगिंदर सिंह जी, डॉबरमैन रखना है तो पहले अपनी सेहत का ख्याल भी आपको रखना पड़ेगा, आपको उसके साथ रनिंग भी करवानी पड़ेगी, साइकिलिंग जिसको कहते हैं वो करवानी पड़ेगी आपको, सुबह शाम उसको एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी। वर्किंग डॉग ब्रीड है, थोड़ा सा उसका अंदर से ख़ारिश होती रहती है वर्किंग करने के लिए, वो आपको करवानी पड़ेगी। अगर आप वो दोनों चीज़ें करवा सकते हो तो आप प्लीज़ उसको अडॉप्ट कीजिए, नहीं तो बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो किसी और ब्रीड के साथ जाइए। अमेरिकन स्टेफर्डशायर टेरियर ब्रीड, इसका मैंने एक कैनल शायद कवर किया हुआ है अमृतसर में, रवि जी की वीडियो आप देख सकते हो। मोंटू यादव जी हैं दिल्ली में, बड़े अच्छे ब्रीडर हैं, उनको हम जल्दी कवर करेंगे, दोनों ब्रीड को कवर कर लेंगे। ठीक है पुंबा जी, मैं देख लेता हूँ।
जर्मन शेफर्ड कम रेट में बताओ सर, हम पप्पी सेल नहीं कर रहे, आप ब्रीडर को कांटेक्ट कीजिए। चंडीगढ़ में आओगे क्या जयदेव जी? मैं जाता रहता हूँ यार चंडीगढ़, तो मेरा घर है 19C में, 19C में, वहाँ पर हम जाते रहते हैं। वी आर लुकिंग फॉर बीगल, आई स्टे इन दिल्ली। राकेश कुमार जी, डीप सी कैनल, मैंने कल ही उनका एक कमेंट कम्युनिटी में उनका नंबर किया नहीं, यहाँ तो स्कूबर्स डीप सी कैनल सर्च कीजिए, आपको उनका इंटरव्यू मिल जाएगा, आप उनसे ले सकते हो, उनके पास पप्पीज भी हैं। डोगर जेटिनो ब्रीडर्स बताइए, डोगर जेटिनो मैंने 4-5 वीडियो बनाई हुई है, स्कूबर्स डोगोर जेटिनो लिखिए, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, उनके डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो, सारे टॉप के टॉप बुली ब्रीडर है। और भी हम कर रहे हैं अच्छे अच्छे कैनल्स। लास्कन मेलोमेंट का टेम्परामेंट कैसा है? लास्कन मेलोमेंट का टेम्परामेंट देखा जाए तो बिल्कुल कूल है, जैसे हस्की है, हस्की थोड़ी एक्साइटमेंट में रहती है, ठीक है, और लास्कन वैसा ब्रीड नहीं है, वो बिल्कुल थोड़ी सुस्त रहती है, खाना खुना खाती है, सुस्त रहती है, लेकिन बात वहीं पर आ जाती है, अगर आप उसको अच्छा टेम्परेचर दे सकते हो समर में, तब इंडिया में रखिए, नहीं तो उसको रखने दीजिए जो कर सकता है इसके मेंटेन। अगर आप पहाड़ों में कहीं रहते हो तो बेस्ट ब्रीड है, उत्तराखंड में आप रख सकते हो, नेपाल में रख सकते हो, ऐसी जगह पर रख सकते हो जो वही है हिमालय के आसपास है, तो लास्कन बहुत अच्छी ब्रीड है, दिल्ली में भी रख सकते हो, लेकिन उसको आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। प्रो गेमर जी वेले आ गया, टेम्पर करना पड़ता टाइम, क्वारंटाइन चल रहा है सब कुछ। नॉलेज शेयर करना सर, सारा कुछ है जो 3 साल में सीखा है, मेरी कोशिश होती है आपको लाइव आके। गुरदासपुर कब आओगे? मैं कल था गुरदासपुर, मैं अपने पर्सनल काम के लिए गया था गुरदासपुर, कल ही था उधर। ट्रांसपोर्टेशन होते वक्त पप्पीज की हेल्थ खराब हो जाती है क्या? बिल्कुल होती है जी, इम्यूनिटी डाउन होती है। एक्चुअली क्या होता है कि मेरे हिसाब से तो ट्रेन में ट्रांसपोर्ट तब करवाना चाहिए अगर उसके साथ बंदा है। अकेला डॉग जब भी सफर करेगा वो क्या करता है, वो खाना छोड़ देते हैं सारा एक बाउल में, ठीक है, वो पप्पी पहले एक टाइम में ही वो सारा खा लेता है, उसके बाद जो वो ट्रेन थोड़ा बहुत हिलता रहता है, उसको डाइजेस्ट नहीं होता, वो वॉमिटिंग कर देता है, फिर उसके बाद जब आपके पास मिलता है, क्या होगा अगर ट्रेन में कोई और बंदा होगा उसको थोड़ा थोड़ा देता रहेगा रास्ते में, फिर वो ठीक रहता है। अगर उसको ट्रैवल बिल्कुल एक टाइम में खाना खा लिया, उसके बाद जब आपके पास पहुंचता है तो वो खाना छोड़ देता है, फिर आप डॉक्टर के पास लेकर जाते हो, वही पार्वो शार्वो का इलाज शुरू हो जाता है, मेन यही कारण है। ज्यादातर कोशिश कीजिए बाय एयर ही आपके पास पहुंचे, एक्सपेंसिव है लेकिन सेफ पहुंच जाता है डॉग। सेक्टर 14 तो ठीक है जी, पक्का जी पक्का, जयदीप जून जी मिलेंगे थोनू। बेस्ट लेबराडोर ब्रीडर इन दिल्ली, दिल्ली सर सन्नी कोचर जी, आप गूगल में सर्च कर सकते हो, सन्नी कोचर लेबराडोर अच्छे है ब्रीडर। स्मार्ट हार्ट फॉर एम बुली बहुत बढ़िया जी, उसका रिजल्ट काफी अच्छा है उसके साथ। ओके दोस्तों, अब मैसेज वंश जी कर रहे हैं, पप्पी होंगे तो मुझे मिलेंगे, सारे मैसेज उनके ही मिल रहे हैं। अब सर आपका डूडो कितने का पड़ा? भैया इसका कोई रेट नहीं है, जो हमारे घर में आ गया उसका प्राइस नहीं है, आप भी कभी डॉग परचेज कर ले तो उसका प्राइस ना गिना करो। कोलकाता सर जल्दी आएंगे लॉकडाउन खत्म होने पर। शिवम अग्रवाल जी, आपने काफी मैसेज किए हैं, मैं एक कैनल मैंने स्टेफेशायर शेरियर का किया हुआ कवर, बाकी लॉकडाउन खुलते ही हम और भी करेंगे। सर किसी डॉग केयर में पानी चला जाए तो क्या होता है? प्रीत सिंह जी, कुछ नहीं होता, डॉग केयर में चल जाए पानी तो डॉग ऐसे ऐसे करता है निकाल लेता है बाकी इन्फेक्शन हो तो थोड़ा सा वेट के पास दिखाइए, दो ही चीजें हैं, पानी तो जाता ही है। अब क्या कहते हैं, जर्मन शेफर्ड के कान ऐसे होते हैं, तो फिर वो जब हम नहलाते हैं तो वो पानी जाता ही जाता है नेचुरली, आप उसको ऐसे करके तो नहीं कर सकते, वो ऐसे ऐसे हिलाता है निकल जाता है, ये कुदरती है। बाकी उसके रुई डालकर साफ करना या नहीं करना मैं तो नहीं रेकमेंड करूंगा, सूख जाएंगे वो, अगर ज्यादा चले जाता है तो हमारे कान में भी जैसे पानी जाता है वो थोड़ा सा ब्लॉक कर जाता है, कुं की वजह आती है ना, आती है ना, वही होता है।
सर आप भी धीरे धीरे बोला शोला जैसे ही बनते जा रहे हो, बिल्कुल थैंक यू सर, इसका मतलब चैनल हमारा भी बड़ा हो रहा है। कम टू नेपाल सर, मैं 2 साल पहले आया था नेपाल, अच्छा था सफ़र, काठमांडू भी अच्छा था, कोशिश करेंगे फिर आने की। संदीप चौहान जी बहुत पहले के हो आप यार, जोक क्या अब कोई बंदा गाली निकाल रहा तो गाली सुनना भी चाहिए, उसके साथ जोक भी करना चाहिए। ठीक है उन्होंने बोला बोला शोला जैसे बन रहे हो, तो हमें इनको लगता होगा कि मैं उनकी तरह पपी सेल कर रहा हूँ, सप्लीमेंट मैं बना रहा हूँ 70 रुपये किलो लेकर 3000 रुपये किलो बेच रहा हूँ, बद्दी सोलन से पैक करवा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है यार, मैंने कोई फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड नहीं बना दिया, जो हूँ आपके सामने हूँ। अगर मैं कोई गाली निकालता भी हूँ आपके सामने निकाल रहा हूँ, मेरे भी बच्चे देख रहे हैं, मेरी मदर देख रही है, अंदर शायद लाइव देख रहे होंगे वो, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम सच्चाई से चले हुए हैं इस चैनल के साथ, आप हमारी फैमिली हो। बादल भंडारी जी का एड्रेस है जी पटेल चौक, इंस्टा पर रिप्लाई करता हूँ सर जल्दी, इज फ्रॉड लाइक अदर ब्रोकर्स। अच्छा अरुण राय जी फिर आ गए हैं, चलो कोई बात नहीं सर, अब हम भाग जाते हैं, इनको अपना काम करने दीजिए। सर डॉग को स्विमिंग सिखा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अश्विंदर सिंह जी वो बाय बर्थ स्विमर होते हैं, आपको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको थोड़ा सा पकड़िए वो खुद ही स्विम करना सीख जाता है, वो बाय बर्थ ही उसको आता है, आपने कुछ नहीं है उसके साथ, थोड़ा सा होल्ड कीजिए, एक दो बार होल्ड करोगे वो सीख जाएगा। मेरा फेवरेट यूट्यूबर है सर डॉग लाइन में देखा जाए तो मैं आपको 2-3 चैनल बता देता हूँ, हिमालय नस्की मेरा अच्छा फेवरेट है, फिर रॉयल सोल्जर बहुत अच्छा चैनल है, सच्चाई के साथ बोलते हैं जो भी बात बोलते हैं, दिस इंडियन उसको मैं काफ़ी देखता हूँ, यही है हमारे डॉग इंडस्ट्री में। अगर आप दूसरी रोस्टिंग इंडस्ट्री में चले जाओ, कैरी है, फिर लक्ष्य चौधरी है, काफ़ी है यार, 2-3 हम देखते हैं। अगर व्लॉगिंग में चले जाओ तो फ्लाइंग बीस्ट है, ये है। संदीप चौहान जी 50 मैसेज किए यार, आप दिल में हो, आप दिल से ये मैसेज कर लेते हम तब भी पहचान लेते आपको। उड़ीसा भुवनेश्वर जल्दी आऊंगा सर, उड़ीसा वालों फार्म अच्छा जी, 19C में कहाँ है, 19C में कहाँ है, 19C में सर सेक्टर है 2 है ऊपर नीचे, वो दोनों हमारे हैं, अब पूरा मैं आपको बता दूंगा आप घर पहुंच जाओगे। गौरव जोन तो यार मुझे नहीं पसंद, वैनिक्स गेमिंग जी नहीं पसंद। ओके दोस्तों मिलते हैं किसी और संडे में, जरूर हम लाइव आएंगे, आप शेयर कर दिए कीजिए वीडियो, कोई भी पुरानी वीडियो उठाइए उसको एक बार प्लीज शेयर कर दीजिए, कोई चाहता नहीं है आपका, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वहां पर घंटे का बटन होगा उसको तोड़ मर दीजिए, जो मर्जी कर दीजिए, मुझे सब्सक्राइब मिलना चाहिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी और दिन, बिहार पटना जल्दी मिलते हैं, मथुरा भी जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।